शाही है, चोर सिपाही है, हमारी मस्ती में, हमारी हस्ती में, दिलों की बस्ती में। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बकवास बंद करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नाम मत लेना उस कमीने का मेरे सामने। धनराज, आज हमने अदालत में ठकराल के खिलाफ केस जीता है, माना कि वो तुम्हारा भाई है। भाई नहीं, सौतेला भाई कहो, सौतेला। हाँ हाँ, सौतेला भाई है, मगर ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि वो उस बंगले को हासिल करने के लिए, यानी दोबारा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो तुम क्या चाहते हो, इतनी मुश्किल से जीता हुआ बंगला उसको वापस कर दूं? हैं? मेरे पुरखों की जायदाद को उसने जुए और अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा था। जानता हूं मैं धनराज, मगर मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। मेरी बात मानो तो ठकराल को कुछ ले देकर इस बात का सेटलमेंट यही कर दो, क्योंकि ठकराल बहुत खतरनाक है। ये नामुमकिन है। मेरे पिता की एक गलती की वजह से मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। लेकिन तुम्हारे पिताजी मरने से पहले एक बहुत अच्छा काम कर गए, जो कि ठकराल को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। मुझे पता चला है कि ठकराल अपनी जायदाद यानी बंगलों की जगह एक मल्टीप्लेक्स बनाने की चक्कर में है। अब तुम्हें बहुत संभल के रहना पड़ेगा धनराज। मैं उस घटिया आदमी का कोई भी मंसूबा कामयाब होने नहीं दूंगा। कितना गलत सोचते हैं भाई साहब आप मेरे बारे में, और मैं हूं कि आपको भगवान की तरह, देवता की तरह मानता हूं। भाई साहब, मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, देवता की तरह पूछता हूं आपको, और आप हैं कि पाए लागो। भाई साहब, तुम यहां क्यों आए हो? भाई साहब, अदालत में मेरे खिलाफ आपने जो जीत हासिल की है उसकी बधाई देने आया हूं। मंदिर भी गया था, माथा भी टेका कि आपकी सेहत बनी रहे। ये उसी का प्रसाद है भाई साहब, ले लीजिए। अरे ले लीजिए ना भाई साहब। अरे भैया तो नाराज है, काले कौवे तू तो खा ले। अरे सॉरी 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 सॉरी, माफ कर दीजिए। वकील साहब हैं आप ही ने इस केस को जीता था ना, आपको तो खाना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम किया। मतलब तुम पवित्र स्थान को भी अपवित्र बनाने से नहीं चूके। अरे भैया मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ, आप यकीन क्यों नहीं करते? इसके मां की कसम भैया। भाई साहब पता है आज क्या हुआ? आज जब मैं आंखें बंद करके भगवान के सामने बैठा तो साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोलने लगे कि ठकराल, तेरे भाई की जान को खतरा है। मैंने बोला भगवान ये क्या बात कर रहे हैं आप? बोले बेटा धोनी को कौन टाल सकता है, कोई टाल सकता है? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? छी 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 भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं भैया। उन्होंने कहा था तेरा भाई बड़ा दयालु है, प्रॉपर्टी को मांग ले दे देगा वो, है ना भैया? मेरे जीते जी वो बंगला तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगा, निकल जाओ यहां से। प्यार से मांगने आया था, छीन लूंगा मैं। क्यों बे काले कौवे, ऐसे पांव से अदालत तक जाता है ना, काट के तेरे मोहल्ले में बांट दूंगा। और सुन, तेरी अदालत के बाहर भी एक अदालत लगती है जिसका फैसला सिर्फ ठकराल करता है। ठकराल, सिर्फ ठकराल, याद रख।
ये लो। ठीक है मैडम, काम हो जाए। बाकी काम होने के बाद। ओके। लेकिन काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। भरोसा रखिए मैडम, काम हो जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। श्रेया, श्रेया, श्रेया। साहिल। साहिल। श्रेया। साहिल तुम आ गए। हाँ श्रेया, मैं आ गया। अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। I love you Sahil. I love you too. I love you Sahil. I love you. I love you. कोई नहीं रोक सकता। श्रेया। हाँ? अंदर जाओ। पापा, ये साहिल है। तुम अंदर जाओ। पापा लेकिन। अंदर जाओ, अंदर जाओ। ओ, तो तुम साहिल हो? जी डैडी, पायला को। तुम ये नाटक करके क्या साबित करना चाहते हो? नाटक? अपने सच्चे प्यार का सबूत दे रहा हूँ डैडी। ये डैडी डैडी क्या लगा रखा है? प्रैक्टिस कर रहा हूँ वर्मा साहब, शादी के बाद तो यही बोलना पड़ेगा ना, डैडी। शादी? किसकी शादी? मेरी और श्रेया की डैडी। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ। डोंट गो ऑन माय लुक्स डैडी, मैं नेचर से बहुत ब्यूटीफुल हूँ और श्रेया का भी यही मानना है कि मैं अंदर से कितना खूबसूरत हूँ। और डैडी, मेरे को भी मालूम है कि श्रेया भी कितनी खूबसूरत। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ डैडी, सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ। मैं बहुत डिसेंट बैकग्राउंड से हूँ। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि तुम जैसे लड़के इसी तरह का बैकग्राउंड दिखाकर भोली भाली अमीर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसते हैं। ना ना डैडी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आइए आइए, बैठिए ना, मैं आपको समझाता हूँ। आइए ना डैडी, एक मिनट बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ प्लीज। एक्चुअली बात दरअसल ये है डैडी, वी लव ईच अदर, प्लीज मेरी और श्रेया की शादी करा दीजिए, भगवान आपका भला करे। हरगिज नहीं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए डैडी, अगर आपको बताए बगैर मैं और श्रेया कहीं भागकर शादी कर लेते और एक दिन आपकी बेटी आपको फोन पे ये कहती कि पापा 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 आप नाना बनने वाले हैं तो? आप मार सकते हैं, आप मेरे डैडी हैं। मेरा एग्जाम ले रहे थे नहीं, मेरे को पक्का यकीन हो गया आप हमारी शादी धूमधाम से करेंगे। तुम्हारे इस यकीन की कीमत क्या होगी? लाख? मेरे को दहेज नहीं होना डैडी। दो लाख? डैड। तीन लाख? डैड। अरे, अरे ये क्या कर रहे? छोड़ 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 छोड़। ए! आ! क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ डैडी। अरे खामखा डरा दिया ना। ये लो, पूरे तीन लाख है, लो। मेरे प्यार को बिकाऊ समझ रहे हैं आप? मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन अब आगे जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। साहिल, साहिल, साहिल। अब क्या है? पूरे 5 लाख लूंगा, वो भी कैश। 5 लाख रुपये तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन आइंदा अगर तुम मेरी बेटी की जिंदगी में आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगा। तुम्हारा शेयर। बात तो 50-50 की हुई थी। तुम्हारे बाबा जो मेरे कानधेरी मारे ना, कान अब तक घूम बोल रहा, उसके 50,000 एक्स्ट्रा। ओ साहिल, तुम कभी नहीं सुधरोगे। छोड़ना नहीं आज उसको, छोड़ना।
भाई साहब आपने यहाँ किसी को देखा जिसके हाथ में काला बैग था? नहीं नहीं मैंने किसी को नहीं देखा। चलो चलो वहाँ पर देखते हैं। अच्छा अंकल मेरे को बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको। काहे को अंकल? तुम ऊपर आओ। क्या तू भी किच्ची है भाई, काहे को तो भी बुला रहे हैं अंदर। आ रहा हूँ अंकल। आओ बाबू अंदर आओ। अरे इन दरवाजा बंद करा यार, क्या तो भी इरादा है इसका। घबराओ नहीं बाबू, तुम मेरे घर में हो, मेरे पीछे आओ। अरे क्या है कि समझ में नहीं आ रहा मेरे को, कहां तू भी आ गया मैं आखिर। यहां तो एक चुड़ी का बच्चा भी नहीं है भाई। क्या तू भी बोलो उसको, कहां तू भी चले गया इन आए, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अरे कहां चले गया यार। अम्मा क्या हुआ? ऐसे शैतान के जैसा अंक पे आते यारो, मैं डर गया ना। डरो नहीं, यहाँ हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है। भाई पिंडा इनके तुम तो नहीं है, क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो तुम घबराओ मत, आओ वहां बैठते हैं। वहां काहे को? अरे खास बात नहीं है, आओ भाई। अरे आओ मियाँ। अरे 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 यावा हाथा कहीं को लगा रहे हैं भाई? यावा नहीं लगा रहा हूँ, वैसा आदमी नहीं हूँ भाई। अरे तो मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं। अरे अंकल मेरे को जाने दो अंकल। कोई बात नहीं, अरे चलो चलो कोई बात नहीं, चलो भाई। अरे अरे छोड़ो मेरे को। अरे बकवास बंद करो, चुपचाप बैठ जाओ। अरे अंकल पहले मेरे हाथों पांव ठंडे हो जाओ। बैठो। अरे अब बताओ क्या नाम है तुम्हारा? आनंद। क्या करते हो? अरे अरे मैं कुछ भी करता हूँ भाई। बताओ पहले क्या करते हो तुम? अरे बताओ। अरे कुछ भी करता हूँ अंकल मैं। बताओ वरना निकालूं क्या? अरे अरे क्या तो भी निकालते। बोल 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 बोल। अरे साहब मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ साहब। अच्छा तो वो लोग कौन थे? वो लोग साहबुल्ला बहुत बड़े चोर थे साहब, ये माल उनके हाथ को लगने का मेरे हाथ को लग गया, उनसे बचने के वास्ते मैं आपके घर में आके छुप गया। मेरे को छुपाने का बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं जाऊं साहब। बैग में क्या है? इसमें 30-40 हजार के जेवरात है साहब, 12-15 हजार में बेच लेता हूँ। एक काम करोगे? कौन सा? अभी बताता हूँ। अब क्या कमरे में बुलाता? हाय अंकल इसमें? अम्मा मेरी, अम्मा मेरी। ये माल अपने को बेचना है। ये अपने से नहीं होता, ये खजाने की चक्कर में गए तो अपन तो जाते 12 के भाव को, अपन नहीं बेचते। अरे अरे निकल गए क्या? आओ अंकल, आ गया जी अपना अड्डा। अरे ये तू कहाँ लेके आ गया, ये तो पुलिस स्टेशन है। अरे अंकल पूरे बड़े बड़े काम आए यहाँ चलते, एक हाथ दो एक हाथ लो। ऐसा क्या? चलो करने को करो आओ। हाँ ठीक है देख लेंगे। नमस्ते साहब। हाँ आनंद फिर से करो भाई। नमस्ते नमस्ते, आजा बैठ। ये हमारे अंकल है गिरधारी लाल साहब, बहुत माल वाली पार्टी है साहब। ऐसा क्या? बैठो बैठो अंकल बैठो, इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छा अरे साहब को माल बताओ भाई, जल्दी बताओ। ये लो साहब देखो। अरे ये तो चंपक लाल ज्वेलरी वालों का था, ये 2 महीने पहले चोरी हुआ था। ये पंकज सेठ की दुकान कहाँ है? और ये मिश्रीगंज के नवाब कहाँ है? पर ये सब तुम्हारे पास?
ये मैंने खरीदा है। कौन से चोर से? अरे साहब छोड़ो, अपने को क्या करने का है, ये कितने का है पहले जरा हिसाब तो करो। एक मिनट, लगभग 40 लाख का होगा। अम्मा मेरी, 40 लाख! ओफो, बहुत धारकारी निकला रहे तू। चलता हूँ साहब। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तक नहीं समझा? अपन बाहर, तू अंदर। क्या? ये हमारा इन्फॉर्मर है, मुखबिर। मुखबिर? अरे हौरे पंचर पहिए, तेरे को पकड़ने के वास्ते साहब लोग 5 महीने से जाल बिछाए। और साहब इसके पास 6 राउंड की बंदूक भी है, ऐसा निकाल के मेरे मुंह में रखा, अगर दब जाती ना तो मेरे हल्लक में इतना बड़ा पोका गिर जाता था। अब इसको पोका डालेंगे। कांस्टेबल, डालो रे साले को अंदर। जाके फंसा दिया। अरे तेरे को नहीं छोड़ूंगा, आज निकले बाद देख लूंगा। और तुम्हारा कमीशन कल आकर ले जाना। थैंक यू साहब, शुक्रिया, चलता हूं साहब। डैनी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, काम हुआ कि नहीं? बोला ना मैडम, टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा? मैडम अगर राजा को जगह से हटाना हो तो चाल तो सही चलनी पड़ेगी ना। ठीक है, ऐसी चाल चलना कि चेक और मेट दोनों एक साथ हो जाए। डैनी नाम है मेरा। डैनी, आप बेफिक्र रहिए, वैसा ही होगा आपके मुताबिक। ओके। अरे कैसी बात कर रहे शंकर दादा, आपकी जिंदा रहते कोई मौत को भूल सकता? मजाक उड़ा रहा मेरा, मेरी मौत का इंतजार कर रहा तू? ये देखो भाई, आप इतना जल्दी मरने वाले नहीं है, हाथा पैरा झड़े तक जिंदा रहते, आप बेफिक्र हो। आप मेरे को दुआ दे रहा है, इन्हें बदुआ दे रहा, बस का मारना छोड़, पहले पैसे निकाल। इतना जल्दी कहां से? तू भाई एक 4 दिन का तो टाइम दो। 4 मिनट का भी टाइम नहीं देता हूं,
गुड़िया के साथ 1,00,000 रुपए तू बाकी है वो और ही निकाल वरना ने तो मुंडी निकाल के फुटबॉल खेलता हूँ यहीं मारो रे इसको अरे नको रे इतना बुरा नको मारो अरे सॉरी अरे ठहरो यारो बैगन की मेरी 1,00,000 रुपए के वास्ते मेरी इज्जत निकाल रहा तेरे 1,00,000 रुपए देना हो ना ये ले 8,00,000 की गाड़ी ले ले मेरी 8,00,000 की समझा ले मेरे को ये गाड़ी वाड़ी ना हो ना मेरे 1,00,000 रुपए फौरी रखिया ए क्या बात है यारो कैसे मार रहे इसको कौन है रे तुम लोग हम गरीबों के चिराग के जिन है एक बार घर से आ जाते जाने दो भाई आप लोग कहीं को बीच में आ रहे मजबूरी मेरी है मार खाने दो मेरे को मारो यारो मारो सुनिए ना अब निकलो यहाँ से मैं तो दोनों को डाल के यहीं घर देता हूँ क्या बोलता देंगे 1,00,000 रुपए हाँ मियाँ मौका अच्छा है गाड़ी 8,00,000 की है तो बात कर लेना तुम ना रुके कहीं गुरे मारो इसको जरा ठहरो पलान रुको 1,00,000 रुपए की बात है ना अब भी सेटलमेंट होता तुम लोग पैसे देते पैसों की बात कर रहा तो एले एले चाबी लगाने की दे रे ये लो भाई पेपर्स किधर है पेपर्स ये लो भाई पेपर साइन कौन करता तुम लोगों का बाप ये लो भाई गाड़ी किधर है पूछ गाड़ी किधर है बाहर है भाई बाहर चल कैसी गाड़ी है देख रहा अरे गाड़ी तो जबरीन है बाप मगर हौला 8,00,000 की गाड़ी को 1,00,000 में दे दिया देख दिमाग किसका है मानता ना अरे तेरा तो दिमाग बहुत जबरीन है रे अरे हौला हो गया गाड़ी घुचाएंगे ना रे ये आवाज सुन रहा हाँ पुलिस का सायरन है किसकी शामत आएगी आपने क्या करना है एक काम कर पहले वो सर पे से निकाल दे तेरे पास लाइसेंस है ना मेरे पास लाइसेंस है पहले वो सर पे से निकाल ये क्या रे चल देखेंगे क्या हुआ साहब क्या बाबू कहाँ से आ रहे हैं बहुत जल्दी में दिख रहे हैं तुम लोग एनी प्रॉब्लम हाँ क्या बात है किसकी है गाड़ी और किसकी हो सकती है गाड़ी हमारी है ऐसा पेपर दिखाओ गाड़ी में ला रे जाके ला ला मियां ओरिजिनल पेपर ला ऐसा आओ अभी खरीद के ला रहे साहब अभी पता चलता ठहरो देखो साहब ओरिजिनल पेपर है साहिल जल्दी ला रहे देख लो साहब ये लो आरसी इंश्योरेंस पोल्यूशन ये देखो साहब हट खरीद के लाए फिर देखो फंस गए रे तुम लोग ये गाड़ी के डुप्लीकेट पेपर है ये चोरी की गाड़ी है अरे नहीं साहब नहीं साहब अब तुम दोनों मेरे साथ अंदर चलो अरे क्या बात आ करे साहब खरीद के ला रहे अभी हम लोग अरे नहीं साहब आप गलत लोगों को फंसा रहे देखिए आप पक्का मालूम है ये इस गाड़ी आपको झूठ बोल रहा हूँ मैं हाँ अरे अरे झूठ बोल रहा हूँ चल अंदर अंदर बिठा रहे गाड़ी में चल गाड़ी अरे 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 क्या साहब अरे सर ये गलत है देखो सर चुप देखो साहब कमिश्नर साहब को बोलता हूँ मेरे दोस्त हूँ ऐसा सर वो गाड़ी खुली पड़ी है रोड पे वो गाड़ी हमारा ड्राइवर ला लेता चलो बस बस अरे खाली बैठो बोल दो सर बाहर बैठ कर रहा ना अरे हम लोग चोरा नहीं है चलो बाबा 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 क्या गर्दन पर छाड़ा मारे रे जिंदगी हो गई रे एक ही रात में उजड़ गया चमन चुप बैठ रे खाता तंदूरी चिकन का मजा आ रहा रात के लाता जूते याद आ रहे क्या ठहरा सो बुलाऊं क्या जमींदार साहब को बैगन के बाता नको कर पहले भेजा नीचे उतर गया सो है मैं बैगन के बाता कर रहा हूँ ये सब तेरी तरफ से हुआ रे बहुत मोहताबरी के बात कर रहा था ना ये दिमाग किसका है बोल के और तू क्या भेजा है बोल के मेरे सर को पपिया ले रहा था ना ऐसी चढ़ाता रे मेरे को अरे हाँ रे मैं चढ़ाया तो चढ़ जाता आज चने के झाड़ पे तू आबा अब जान दे चढ़ने चढ़ाने के बात आना को कर
एक शेर को पिंजरे में बंद कर दिए रे। आबा तू शेर? तू मैं क्या हूँ? अब मेरा मुंह कई को खुला रहा, कैसा पुकार रहा था रात में जब पुलिस वाले डंडे डाल रहे थे, अम्मा मेरी अम्मा मेरी, भूल गया? अरे बैगन, वो सांप तेरी तरफ से एक्स्ट्रा मारा खाया रे। अरे क्या जरूरत थी रे तेरे को मैं इन्फार्मर हूँ बोलने की? कुछ भी बोल बाप, एक बात की तारीफ करना तेरी, जब भी तू तकलीफ में होता ना तेरी अम्मा को याद करता, अम्मा मेरी बोल के, आई लाइक दैट। ऐसा जब तेरे को पुलिस वाले ठोक रहे तो साफ पावा पड़ता हूँ, साफ पावा पड़ता हूँ बोल रहा था। वो तो मैं एक्टिंग कर रहा था। रहन दो बालखा। चुप बैठ रे, सोचने दे मेरे को। अब क्या जेल तोड़ के भागता? नहीं रे, मैं ये सोच रहा था इतने सालों से अपन अच्छे अच्छों को हाथ पे ले लिए, मगर ये कौन पैदा हो गया जो अपने को हाथ पे ले लिया? अरे आखिर ये गिड्डा है कौन? मन्नू भाई से पूछ रहे जमीन का है बोल के। अरे वो जमीन है चंपक भाई, वो जमीन है झील के उस पार। झील के उस पार बोले तो? अरे टैंक बंड के पीछे यारो। उधर किधर मन्नू भाई? अरे वो लोहे के चुड़िया उड़ने का अड्डा था देखो पहले। कौन से चुड़िया जी? अरे ये प्लेन के हवाई जहाज का अड्डा यारो। अच्छा अच्छा, तुम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, तो तुम क्या स्टेडियम की समझे? अभी वहाँ प्लाटिंग नहीं हुई अभी। नहीं नहीं, मगर एयरपोर्ट की जगह तो खाली है ना? हाँ वो जगह मैच खाली कराया ना, या जगह बस नहीं हो रही थी तो शमशाबाद को भिजा दिया। आज की तारीख में पूरी जमीन खाली पड़ी हुई है। तो मिल सकती हो जगह अपने को मन्नू भाई? अरे क्या बात कर रहे, मिल सकती, पूरे पेपर अपने पास ही पड़े हुए हैं। तो फिर मैं आ जाता हूँ ना, फाइनल कर लेंगे। आ जाओ आ जाओ, मन्नू भाई का 24 घंटे खुला रहता। वो क्या तुम्हें खुला रहता जी? दरवाजा रे दरवाजा। साले खाली थप्पे मारो बोले तो इतना बुरा ठोक करे मेरे को, साले कौन सी भी जगह नहीं छोड़ा। सुनो जी, ओरिजिनल दिखता हुई मारे हम। ओरिजिनल दिखता कहते? ओरिजिनल हाँ, साले मर जाता तो मैं लेके चले आते थे। कहाँ पे? शमशान को। तेरी सुनो जी मन्नू भाई। क्या सुनू? कुछ बड़ी पटिया काम रहा हूँ। मारो बोल क्या बोल रहा? अरे सुनो मेरी बात। क्या सुनू बोल? बहुत माल कमा सकते जी। सही बोल रहा? अरे हो, ये गुड न्यूज अगर पहले देता तो इतने मारा कहीं को खाता था रे? तो तुम बोल लेने दे रहना। तुम कब चलना है? अब भी चलना है। हाथ पे तो ले ले रहा ना मेरे को। अरे क्या मन्नू भाई, काम के टाइम पे भी ऐसे बोल दे तुम। चलो चल। ये कहा तो बुला लिया रे तू मेरे को? ले रही थी वो पार्टी मन्नू भाई। छोटे। हाँ भाई। प्लाट का क्या हुआ? कुछ भी नहीं भाई, आप आए तो उन्हें पैसे देता हूँ बोल रहा, सतारा बहुत मेरे को, बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। नमस्ते अन्ना। ओ, तो तुम हो मन्नू भाई? हाँ। ये बाबलिया पछाड़े। बहुत बड़ा काम है, कर सकते तुम? क्या बुरा तू उछाल रहा भाई? नहीं बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको। क्यों बोलती बंद हो गई क्या? बोलती बंद? अगर मैं बोलना शुरू करा ना तुम लोग के पैटा उतर जाना। क्या बोला रे? हाँ? बैठ तू, बैठ बैठ। ये आदमी अपने काम का लगता है, अपने को ये प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर बनाने का है। इसकी पछाड़ का क्या करूँ रे भाई, मैं पूरा मुंह गालदान बना दे रहा। मगर मन्नू नोटा कमाना है तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा इसको। राज सिंगानिया, किसके नाम से बनाना है पेपर्स? ठकराल सिंगानिया के। कौन है इनो? हमारे बड़े भाई। और इनो? हमारे बाबा का शरीफ बेटा। मतलब? यानी के हमारा सौतेला भाई। साले ने जीना हराम कर रखा है। और तू? और तू क्या पुलिस वाले मुझे सब पूछ रहे? डिटेलिंग, डिटेलिंग में जाना पड़ता पछाड़ भाई। तो तुमको धनराज सिंगानिया की फिल्म उतारना है और एक ब्लू फिल्म की एक्स्ट्रा का भी बना लो। तू यहाँ मेरे को ब्लू फिल्म बना ले लाया? हाँ भाई, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ। आप बेफिक्र रहो पछाड़ भाई, जबरदस्त ब्लू फिल्म उतार के देता हूँ आपकी। क्या रे? हाँ। जितना जल्दी हो सके पेपर आप बना के ला लेना, पैसे वैसे बाद में देखेंगे। चलो रे। चलो रे। अरे वो देख 2 रुपए। अरे मारे झुके देख साले। अरे लाठी को मारें जी। तेरी औकात यही छह रे साले, फुटे शोर के नीचे लाके ठहरा दिया और पूछ रहा कहीं को मार रही। ये धनराज सिंगानिया का नाम कहीं सुने जैसा दिख रहा रे मेरे को। क्या बात है मन्नू भाई, डेढ़ शेर का कीड़ा दिमाग में फिर उछर रहा क्या? अब देखते जा,
ये कीड़ा कीतों को काटता कीतों को काटता। क्या हुआ साहब, नंगे फोटो नहीं है, मेल के पेपर आए वो? अरे उससे भी बढ़ के है रे। अरे हटो जी, क्या काम कर दिया आप? क्या तो भी हुआ आखिर अचानक? मगर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जो इन लोगों की जमानत करके मेरे पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मेरा बहुत बड़ा बोझ उतार दिया आज तुम। ऐसा क्या तो भी हुआ आखिर? क्या तो भी हुआ, अरे रात भर दम कर डाले मेरे को, 2 मिनट नहीं सो सका मैं। एक जना रेडियो अनाउंसर है गते, बहनों और भाइयों लगा, अरे सर में दर्द हो गया भाई, इतना नाक में दम कर दिए दोनों, और वो दूसरा कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ ये लगा के रखा रात भर। अरे सो जा, सोने तो भी दे बोल तो क्या बोल रहा मालूम, मच्छर काट रहे गते। अरे लॉकअप में मच्छर आने तो क्या हाथियां आके काटेंगे रे। अरे साहब अगर आज आप नहीं आते ना तो और एक दिन देख के मैं इन जंगलियों को अपनी जमानत पे छोड़ देता था भाई। ए संपत। हाँ साहब। छोड़ दे भाई जरा इन लोगों को, रहम कर मेरे पे, जाने दे। अच्छा साहब, चलो चलो तुम लोगों की बेल हो गई। अरे ये गिट्ठा क्या कर रहा है यहाँ पर? इन दोनों को चौड़े चौड़े गलियां देख के यहाँ से लेके निकलो, जा रहे तुम लोग जाओ। तो भाई और बहनों आप और हम अब ऐसा कॉन्टेस्ट खेलने जा रहे हैं। अरे आपको कर रहे बहुत मारे रे तुम लोगों को, 3 टाइम कूट दिए रे पुलिस वाले। कैसा फरिश्ते कैसा आया ना भाई, शैतान की चाल चल के अपने आप को फरिश्ता बोल रहा साले गिड्ढे। अभी से निकाल हमारे 1 लाख रुपए, वरना तू मेरे हाथों से मर जाएगा और फुकट में बेचारा फांसी चढ़ जाएगा। हाँ पिंडा, हमारे कड़े में तलो पकोड़े। अरे गिड्ढे तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा साले। मार आनंद मार, फोड़ दे साले को। इन्हें चीज की तरफ से तेरे को सूखी रोटी खाना पड़ा। सूखी रोटी? अरे तेरी तरफ से खा रहे मैं सूखी रोटी। आनंद मार, फोड़ दे साले को, फोड़ दे, तेरे को तेरे कमीने बन की खसम है, मार साले को मार। क्या हो रहा है उधर? हाँ साहब तो थोड़ा मार लेके चले आते। मार आनंद मार, इन्हें चाहिए जिसकी तरफ से तेरे को मच्छर काटे। मच्छर। And because of this spell, पुलिस वाले रात भर तेरे को धोए बगैर साबुन के। बगैर साबुन के? अरे तेरे को भी तो बगैर साबुन क्या धोना रे? अरे मेरी छोड़ उसकी फोड़। बहुत हो गया सम्मान, तुम्हारी नाक में रस्सी, सुबह से हो गई शाम तुम्हारी नाक में रस्सी। ये लो तुम्हारे 1 लाख रुपए, पकड़ो चलो निकलो यहाँ से। चल रे साहिल। चल। एक मिनट, तू हमारे को फंसाया ये समझ में आया, तू ही हमारे को छुड़ाया और पैसे भी वापस दे दिया ये समझ में नहीं आया? अब आया रे तेरे नल में पानी। हाँ एक दिन आड़ा था। अब बहुत हो गया, काम की बात कर। मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है जिससे करोड़ों का फायदा होगा। करोड़ों का? अरे नको रे, इसके करोड़ों की चक्कर में गए तो कौड़ियों की जिंदगी हो जाती। अरे कैसा है बती है यार इन्हें? अरे भरोसा करो मन्नू भाई पे, एक एक के हिस्से में 4-4 करोड़ आ सकते। मतलब? मतलब समझना है तो ये मेरे एड्रेस पे आ जाओ। अच्छा देखेंगे, चल रहे। इसकी बातों में दम दिख रहा है? दिख रहा, बुरा टाइम आया जैसा दिख रहा। क्या फट्टू है रे तू, चल चल। चलो आ जा। Happy birthday
हैप्पी बर्थडे। भाई क्या हुआ भाई? सनकी की याद आ रही है, आज उसका बर्थडे। भाई आप कहे तो जेल तोड़ के सनकी को घर ले आऊं। हमेशा तोड़ने फोड़ने की बात करते हो तुम लोग, सनकी की तरह नहीं सोच सकते। दिमाग था उसके पास, हरामी दिमाग। अगर आज वो मेरे पास होता तो वो बंगला कब का वापस मिल जाता। सनकी भाई का भेजा आपकी ताकत है भाई, जरूर मिलेगी, आप बेफिक्र है ना भाई। ठकराल फिक्र नहीं करता रे, इस शहर पे अपना राज था, है और रहेगा। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। सिमरन जान, ऐसा टुकुर टुकुर नक को देखो ना, कई को देख रहे ऐसा? जिंदगी में कभी खूबसूरत आदमी नहीं देखे क्या? हाँ तुम ऐसा देखे तो मेरे को शर्म आती। एक मिनट, दूर दूर रह के मेरे दिल को तड़पा रही, सारी अदाएं वहीं से बता रही, अपने दिल की बात बोलूंगा बोले तो दो मिनट भी पास नहीं आ रही। एक पैग और, बुरा मत मानना, आजकल दिन में भी पी ले रहा हूं। डार्लिंग, ऐसे खाली पेट क्यों पी रहे हो? कुछ खाओ ना। अरे शंकर, अरे अफजल, गोटिया, मुमताज खाला, अरे कहाँ रहे तुम लोग? अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? अरे 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 क्या हो रहा है? ये सही देख रहा हूँ मैं होश में हूँ। अरे मैं होश में हूँ। अरे 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 कहाँ है? अरे तुम डार्लिंग क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम ओरिजिनल कैसे हो गए अम्मा? तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे असली बनने पे मजबूर कर दिया। चुपके बुलाया तो सही भी आ गया यारू। मन्नू तेरा बुरा वक्त आ गया जैसा दिख रहा, कहीं बाबा पर याद तो नहीं कर लिए? कुछ कहा नहीं, कुछ गलती हो गई तो माफ कर दो मेरे को। तुम अपने प्यार को गलती का नाम क्यों दे रहे हो? मतलब मैं जानती हूँ तुम मुझे बेहद प्यार करते हो। हाँ मगर ये सब क्या है जान? मैं तो तुम्हारा सिर्फ एक हसीन ख्याल हूँ। हाँ इसका मतलब मैं नजीक आ सकता हूँ? पर एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? अपनी हाइट। तुम इतने लंबे हैं, इसके वास्ते मैं मेरी हाइट की सिमरन का आर्डर दे दिया। सच्ची? सिमरन मेरी जान, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे हाथ ऐसा लग रहा जैसे गिलेरी की दुम पे हाथ सहला रहा। तुम्हारी आंखें, उफ कितनी झील से गहरी आंखें हैं ये, दिल कर रहा इसमें चड्डी पहन के स्विमिंग करूं। और तुम्हारे गाल तो भी हेरे एंड टाइम पे आके रायता फैला दिए। कबाब में हड्डी मारूं शुरू होने से पहले दी एंड कर दिए। अब भी चारा था रे तुम दोनों को, 10 मिनट लेट नहीं आ सकते थे? कई को बाथरूम में थे क्या? आधे से उठ के आ गए शायद। नहीं रे मेरा काम हो जाता था ना। तो जाओ काम कर लो भाई, हमला बैठते जब तक। अरे तुम लोगों की भाभी के साथ बैठा था रे वही। किधर? बाथरूम में। छी वो भी कोई बैठने की जगह है? यहाँ बैठा था रे सोफे पे। सॉरी मनु भाई, हम ना कुछ अलग ही समझ रहे थे। सॉरी मेरे को नहीं रे, भाभी को बोलो। कहाँ है उन्हों? आई वो पुतला। मेरे डार्लिंग को पुतला बोला। अरे जान दो मनु भाई, जान दो, अपना बीपी हाई को करो, जान दो। अरे साहिल गिद्दा पागल हो गया रे, पुतले को भाभी बोल रहा। भाई 2 दिन के बाद हम लोग जोधा अकबर बोलते क्या? अब वो सब छोड़ो, अब ये प्लान क्या है बोलो। अब चुपचाप बैठो और मेरी बात सुनो। एक बड़ा बंगला है जिसपे अपने को कब्जा करना है। 3 महीने के बाद वो बंगला बेच के अपन तीनों अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। तुम्हारी बात का यकीन कैसा करना? ये तो हम तीनों के नाम पे। मेरे को मालूम था रे तुम लोग आएंगे बोल के। ये कार के पेपरों के जैसा तो नहीं है ना? होते तो इसमें मेरा नाम नहीं रहता था।
अच्छा ये बोलो, ये काम के वास्ते हम दोनों को कहीं को चुने? मेरे को मालूम है रे, तुम लोग किसकी बैंड कब कैसा बजाना अच्छी तरीके से जानते। क्या बोलता भाई? कब जाना है, ये सब तुम कैसा करेंगे? इसकी फिक्र न करो, वो सब मेरा वकील देख लेता। और सुनो, अपने को जल्द से जल्द उस घर में एंट्री लेना है, ठीक है? राइट। बाद में आता, घुसेंगे अपन। पूछना क्या है, चलो मन्नू भाई। जरा भाभी को हाथ लगा देना रे। अभी नो इधर भी। अरे इसके बगैर नींद नहीं आती रे मेरे को। चला संभाल के रे। हाँ ले जा रहा हूँ भाई। संभाल के। अब तुम्हारी बीवी को संभालना, अच्छा हुआ तुम लोगों को बच्चे नहीं हैं। बंगले में से कौन से कमरे के पेपर बनाए तुम? अरे दीवाने, कमरे के नहीं, पूरे बंगले के पेपर बनाया भाई। पूरे बंगले के? हाँ। तुम दिख के नहीं आते मन्नू भाई। अरे तू मेरे को भी पहचाना का? मेरा बस चलता ना, पूरे एरिया के पेपर बना देता था, समझा? चल अंदर चल। आहिस्ता रे आहिस्ता, मेरी जान है वो। मालूम है? कम से कम 10 करोड़ का होगा मेरा ये बंगला। हाँ मेरा बंगला? अरे अपना रे। वही बोल रहा हूँ। अब तेरी भाभी और भाई दोनों मिलके राज करेंगे यहाँ पे। राज? मेरी भाभी और तुम? अरे अपन सुन रहे। वही बोल रहा हूँ, मेरा बाथरूम कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। विद एक्स्ट्रा फ्रेंच फ्राइज या और मेकी 2 फ्रेंच फ्राइज मोर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना होगर तो पहले आके मांग ले तेरी नजर, मेरी नजर। चिकन पिज़्ज़ा बोल। एंड 2 ऑरेंज जूस। चिकन पिज़्ज़ा तेरी भाभी के वास्ते। एंड 1 चिकन पिज़्ज़ा। थैंक यू। बॉटल बॉटल विस्की की बॉटल है क्या पूछ? अरे शराब की दुकान नहीं है यारो। बहुत हसीन है। Please send it fast. This is the order. Yeah, Singhania House. पानी में जले मेरा गोरा बदन। ये तो पुटियों का गाना है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। स्पोर्ट्स की दुकान, आपके पास जिम का सामान मिलता? भागने की मशीन, आओ भागते सो। थ्रेड मिल यारो, थ्रेड मिल। आओ सिंघानिया हाउस, राइट। क्या दिख रहा है भाई? थैंक यू वेरी मच मन्नू भाई, मेरे लिए एक्सरसाइज का सामान मंगा रहा है। तेरे वास्ते नहीं मंगा, मेरे वास्ते मंगा। हेलो ज्वेलर्स शॉप, सोने का भाव क्या चल रहा? 2 किलो होना है। सिंघानिया हाउस, ओके। इसके साथ थोड़ी देर बैठा तो मैं भी पागल हो जाता। मजा
क्या सहे थे यार वो। क्या जबरदस्त मजा है। पहली बार है क्या? बहुत सीनियर हूँ मैं। तो फिर छोटे बच्चे मिठाई चाटे सके को चाट रहे? छोटे बच्चे क्या बात कर रहे हैं, मिठे के बड़े बड़े देखा चाटो। अब हिमाकत के कड़े में अपनी मर्दानगी को मत बगारो। क्या मैं हिमाकत कर रहा हूँ? मेरी जवानी को ललकार रहे तुम। आप गिनो हजार तक। हाँ ललकार रही जा। आप ठहरो तुम। एक पांच सौ नौ सौ। अरे फसली के पहलवान कहाँ हजार तक गिनते आ जाओ। अरे 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 पापा पब्लिक नगरी। अरे हटो हटो पब्लिक नगरी ठहरो। अरे ठहरो ब्लैंकेट तोड़ने के ठहरो। अरे क्या गुदगुदा कर रहे। अरे छोड़ो जी। अरे छोड़ रहे। अरे क्या मारता गया। अरे भाई सारे मेरे भाई। अरे कहाँ लगे फंसा दिया मियाँ। चलो चलो जैसे भागो जल्दी भागो चलो। ओफो ओफो छोड़ रहे पहले मेरे पैसे निकाल चल। हाँ कुछ भी नहीं हुआ कहीं क्या पैसे। क्या हुआ क्या हुआ। अरे क्या हो गया तेरे को। अच्छा खासा था ना तू। अचानक क्या हो गया तेरे को। तलवार खा का साया हो गया क्या इसको। वो गिड्डा आ रहा। जल्दी निकलो यहाँ से तुम पीछे के दरवाजे से। अरे तू कब आया इधर। हाँ अरे अरे मन्नू भाई इन मेरे कमरे में भी आ गया था यार वो। अरे क्या तो भी हो गया ऐसा कहीं कर रहा है ना। हाँ पलटा दे इसको पलटा दे। इसको जाने दे अंदर जाने दे। डोर खोल डोर खोल। दरवाजा लगा ले लगा ले। इसको नींद में चलने की आदत है सर। हाँ मन्नू भाई। अच्छा वो पोटी कौन सी तेरे सर। कौन सी पोटी। अभी देखा ना मैं। अरे नींद में है क्या तू। अच्छा तू जाके सो जा साहिल के साथ। अम्मा मैं ना सोता रात में मेरी गर्दन काट जा तो। चलो बंदोल हाल में सोचेंगे। चला चलो। आनंद कब आया और ये लोग ऐसा कहीं कुछ हो रहे। क्या जमाना आ गया भाई कुछ भी नहीं बोल सकते। अरे मन्नू मन्नू भाई उठो भाई। अरे आनंद उठ मिया। अरे उठो रे। अम्मा मेरी क्या हो रहा है ये। अरे इन चीन कहीं को घुमा रहा। चत्ता नाक कड़कुलो। छे कल गल्ला काटने आया था अब नल्ला दबा देता क्या। अरे हाथ हटा रे। अरे अरे हाथ हटा रे। अब्बा नहर पर कहीं घुमा रहे जी। पहले मैं अपनी हाइट को लेकर परेशान हूँ ऊपर से मेरे को दबा के और छोटा कर दे रहा। अरे जान बची तो हाइट काम आएगी ना जी। ऐसा कौन है रे जो मेरे होते हुए तुम लोगों की जान का दुश्मन हो गया। ऐसा दुश्मन बना देने की बात कर रहा। कल रात को तो तलवार उठा लिया था इसको मारने अब चैन लेके आया गल्ला दबाने। मैं अपने आंग पे चढ़ी सो चुमटी को नहीं मारता हूँ और तुम बोल रहे मैं इसको मारने आया था। ऐसे झूठे बातें करे तो मुंह से गंदी बो आती मन्नू भाई। तलवार तेरे कमर से निकल रही हाँ? और पोटी इसके पीछे से निकल रही और तेरे को गंदी बो मेरे मुंह से आ रही। तुम दोनों के यही तंडाने रहना तो एक दिन ये घर पे पुलिस आ जाती समझे। क्या रे
तू कल रात को केक अलग से अलग काट ले रहा था। केक? हाँ रे, पुट्टी को लाया था कहते ना। अरे हाँ यारू, रात में तुम ऐसी तलवार ले लेके आ जाते, पूरा मजा मेरा किरकिरा कर दिया तुम। अरे निकल गया, तलवार मैं लेके आया था। जाली पेपर्स की पोल खुल गई क्या? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? क्या बात है? अरे जरा अंदर तो आने दो बाबा, सब बता दो। जरा हटो बाबा, क्या शानदार घर बना है बाप इन लोगों का। ओफो, क्या बात है साहब? क्या बात है, समझ गए या समझाऊं? अरे क्या तभी समझा दिया आखिर? मैं कलीच ये एरिया का चार्ज लिया हूं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वो सब तो ठीक है, जो तुम लोग पहले हफ्ता देते थे अब मैं उसका डबल लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, हम लिमिट से ज्यादा शरीफ लोग हैं, ये हमारे से हफ्ते हफ्ते क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे को मालूम है, सब मालूम है। इस घर में बड़े जोरों पे धंधा चलता, समझे? धंधा? कौन सा धंधा इंस्पेक्टर साहब? लड़कियों का। अरे इन्हें भाभी को रेस करने आया है। मगर मेरे पास तो लड़के हैं। लड़के हैं? अब तुम लोग ये धंधा भी शुरू कर दिए? मगर कुछ भी करो, मेरा हफ्ता टाइम पे दे दो। अगर मेरा हफ्ता टाइम पे नहीं मिला ना, तो तुम लोगों को अरेस्ट कर लेता हूँ, समझे? चलो कांस्टेबल। अब्बा, कई को मारे यार हो? भाभी को अरेस्ट करने आए बोलता? अरे इन बोला इसको मारो ना, उन्हें फिल्म का हीरो है। पिंडे की मेरी। तेरे को काम पे जाना था ना, तू जा। हाँ मनु भाई, काम पे जाना था। जा जा। ओके भाभी, टेक केयर, भैया का। ओके बाय बाय। मैनर्स वाला सही लड़का है ने। हम के मारो से न पूछो चैन क्या, सुकून क्या, तड़प कर आह भरते हैं मिली तन्हाई आज इनको, कहां आबाद रहते हैं, तमाम रात रो रो के दिले बर्बाद करते हैं। ये मेरा हुस्न तेरा इश्क जैसे आग और पानी, ये मेरा हुस्न तेरा इश्क जैसे आग और पानी, उड़ा दे होश महफिल जो बन ये तूफानी, लगाया ठुमका जो, लगाया ठुमका जो आशिक मचलने लगे, लगाया ठुमका जो आशिक मचलने लगे। ये मेरा हुस्न तेरा इश्क जैसे आग और पानी, उड़ा दे होश महफिल के मेरा जो बन ये तूफानी, ज़ुल्फ के खम में आशिक तड़पने लगे, ज़ुल्फ के खम में तड़पने लगे। ये मेरा हुस्न तेरा इश्क जैसे आग और पानी। इश्क एक साज है और मोहब्बत है धुन, धुन ये दिल में तुम्हारे उतर जाएगी, रात चढ़ते हुए एक नशे की तरह तेरी आँखों के काजल में ढल जाएगी। नगीना तू दिलकश जवानी का है, नगीना नगीना तू दिलकश जवानी का है, नगीना तू दिलकश जवानी का है। हम तेरे वास्ते अब खींचे आए हैं, फूंक दे हमको चाहे तू बर्बाद कर, तेरे आगोश में मिटने को आए हैं, अब ना इनकार कर, अब ना इनकार कर, अब ना इनकार कर, आज इकरार कर, काम आसान कर, आज इकरार कर। ऐसी मैं तू पिला दिल बहकने लगे, ऐसी मैं तू पिला दिल बहकने लगे। मेरा हुस्न तेरा इश्क जैसे और पानी, उड़ा दे होश महफिल के मेरा जो बन ये तूफानी, लगाया ठुमका जो आशिक मचलने लगे, मेरे पायल में दे।
वाह 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 प्यार ही शुमा देखा कब से फोन उठाई ना तबीयत पानी सब ठीक अच्छा हो गया हाँ ये सामी बहुत थी तो सब में दिल लग जाता है देखो तो एक काम कर नजरों के काम में जोर मारे अबे वो मेरा माल है हाँ फ्रेश होगा फिर अबे के जाले वो मेरी बीवी है सॉरी 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 मैं खुद आ रहा हूँ मैं खुद आ रहा हूँ कहीं को माँबू बाहर कहीं को बेचे दलाल वाह मैं खुद अबे साले तू दलाल तेरा बाप दलाल तेरा सारा खानदान दलाल फोन रख क्या हुआ जान कुछ नहीं तुम आओ अरे आनंद अरे आनंद अरे आनंद चेहरे में वो जा अरे आनंद इधर आ रे क्या हुआ मनु भाई अरे तेरी भाभी को हाथ लगा कई को अरे तेरी भाभी को छुपाना है हाथ लगा मतलब ये सवालों की दुकान रखो खोल इसको सवाल अरे आरो ऐसी क्या गर्मी चढ़ी सबर नहीं है तेरे को छोड़ो ना छोड़ो तुम क्या कर रहे हो जान छोड़ो मुझे अरे छोड़ रे अरे छोड़ रे अरे अरे मनु भाई छोड़ा तो गिर जाती यार वो अरे हाथ हटा अरे 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 क्या हुआ मनु भाई अरे मैं बहुत परेशान हूँ रे एक कमीना मेरे को फोन करके बोल रहा माला है क्या मेरे को दलाल बोल रहा रे सुबह पुलिस वाले भी आके पूछे थे क्या मनु भाई धंधा कैसा चल रहा बोल के मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को अब पूरा यकीन हो गया इस घर में पहले लड़कियों का धंधा होता था सही बोल रहे मनु भाई अपन आके दो दिन नहीं हुआ तो ये हाल है आगे क्या होता की क्या नहीं की मनु भाई एक जमाने से नंबर टू को नहीं गया अब भी जाके आता हूँ पीछे लगे हुए हैं मुझे बचाओ 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 अरे बचाओ अब तो मुझे बचाओ अरे अरे बचाओ देखो देखो बचाओ अरे मेरे को बचाओ मुझे बचाओ कौन तो भी है भैया किसको तो भी पीछे लगा लिए बाबा फेंक रहे ना बदमाश मेरे पीछे लगे हैं मेरी इज्जत बचाइए ना प्लीज 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 बचाइए ना ये घर में घुसियों ने ढूंढो उसे ओफो अच्छा ये अंकल के साथ में नक्शा फिट कर लिए अंकल बच के रहना इनसे ये बहुत खतरनाक चीज है कौन है रे तुम लोग और ये बाबा कहीं को फेंक रही मामा अजी इन चिट्ठियों के बाबा के हमारे ऊपर फेंक रही आंखा मार के हमारे ऊपर इशारे कर रही पूरे महल में हमारे को बदनाम करके रख दिए हमारे मम्मी भी मेरा ऐसा टेस्ट है समझ रही तो इतनी सी बात क्या बमों से हमला करते रहे और तुम क्या जी बच्चों को छेड़ते मैंने कुछ नहीं किया ये लोग झूठ बोल रहे हैं हाँ। अंकल बहुत चालू है इन्हें ऐसे नहीं सुधरने वाली आप हमारे बीच में मत आओ क्या कर लेते रहे तुम लोग देखो अंकल ऐसा को करो जीना आराम कर दी ने हमारा घर से निकलते हो डर डर के निकल रही आज इसका किस्सा ही खत्म कर देते हम लोग मन्नू भाई के बोलने के बाद भी उड़ रहे रे तुम लोग इसको हमारे हवाले कर दो मन्नू भाई नहीं खामोश बैठो नहीं तो फोड़ दूंगा मन्नू भाई दिमाग लगाओ फिराओ अरे ये मन्नू भाई तो पुरानी जंग का ही तोप दिख रही घर में बमा छोड़ रही भागो ऐसे कहीं अमेरिका हमला तो नहीं कर दिया हमला क्यों करेगा वो तो हिंदुस्तान का दोस्त है ऐसा कभी उसकी दोस्ती का नकाब हटा के देखो साफ दिखेगा कैसा जहर उगल रहा अपने मियां भाइयों के खिलाफ जिस दिन हम सब एक हो गए ना तो ये अमेरिका दुनिया के नक्शे में चले रहेगा क्यों भाई लोग सही बोला ना और आप क्या जी हा? ऐसे चाहते जिप बोल के डर गया ना भाई कौन है आप मैं प्रिया आपकी पड़ोसन अगर आज आप नहीं होते मनु जी तो मेरा क्या होता बच्चे थे छोटे कुछ नहीं होता अब जाओ नहीं तो मैं बदनाम रहता हूँ जाओ जाती हूँ मगर एक वादा करिए अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो चाहे आधी रात ही क्यों ना हो मैं फौरन चली आऊंगी पुकार ले तो आप जाइए बुला ले तो जाइए जाइए तनखा कम नाक में दम
ये घर में मेरे को पागलपने के असरात दिख रहे यारो। क्या कब क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ? सन के जेल से फरार हो गया। ललन भाई को बचाना होगा। अरे तो बहुत अच्छी बात है भाई। अरे नहीं, पुलिस की नजर अगर उस पर पड़ गई तो वो उसका एनकाउंटर कर देगी। नहीं, कहीं ये पुलिस की कोई चाल तो नहीं उसे भगाकर। ये क्या किया मेरे भाई, ये क्या किया तूने? पाशा भाई। ललन। हाँ भाई। बबलिया भाई। भाई इस सनकी को बचाना होगा। जी भाई, सनकी को बचाना होगा भाई। अगर उसे कुछ हो गया तो इस शहर को मैं आग लगा दूंगा। इस शहर को मैं आग लगा दूंगा। अरे आनंद, मन्नू ऐसा क्या देखा ये पुतले में जो इतना फिदा इसके ऊपर? सही बोला रे तू। जिट्टे को पुतला बोलते भाड़ बोल के मेरे को भरी मारता। आखिर देखेंगे ये पुतले में है क्या। चल चा? अरे आमिया, एकदम परी कब्रस्तान की। अबे होले, परिस्तान की परी बोल। ये मनो है जब तक अपन थोड़ा टाइम पास कर लेंगे क्या? एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड, अगर आपका कोई एतराज नहीं है तो। एतराज होता तो आते क्या? अरे आ गए यारो। अरे किने अपने को भी दिख रही बाप। अब क्या नल्ला दबा देती क्या? नहीं रे, हंस रही हंस रही। ये किड़े मन्नो की भी क्या किस्मत है ना बाप। अरे 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 आंग प्यारी यारो। प्लीज, मैं अंगूर नहीं खाता हूँ। खाओ ना। खाओ ना, खाओ। मेरे मीठे अंगूर ये लोग खा रहे? क्या कर रहे थे जब से तुम लोग? दिख रहा नहीं, अंगूर खा रहे थे। हाँ मगर किसके हाथ से? अरे कहीं ड्रग्स व्रग्स तो नहीं ले रहे हो तुम? निकल गए क्या? दिख रहा नहीं, हम अपने हाथों से खा रहे। सो रखो, खाओ ये अंगूरा। कौन से अंगूरा खाना फिर? क्यों जी, क्या कर रहे थे तुम लोगों के साथ? गिद्दा पागल हो गया, पुतले के साथ क्या क्या खींच कर रहा थे। गर्मी जब भेजे पे मारती नहीं तो ऐसा हो जाता देख इंसान। अरे बोलो, चुप कहीं को है। अरे बोलो, मुंह खोलो। बड़े जालिम हो जान, ये कैसा सवाल पूछ रहे हो मुझसे? जो देखा वो पूछ रहा हूँ। तुम उस पे शक कर रहे हो? तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्यों आती हूँ? तुमने उन सभी प्यार करने वालों को, हीरांजा, लैला मजनू, शेरी फरहाद, सबको पीछे छोड़ दिया और अपनी जवानी की परवाह तक नहीं की। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ? तुम रो ना को, मेरे से गलती हो गई। माफ कर दो मेरे, अब से शक नहीं करता। कौन आ गया रे बेवकूफ? चंपा, अरे ओ चंपा, कौन है? ए, तू टेबल लगा और तू सोडा पानी लेके आ। और तू मेरी चंपा को फौरी तैयार करके ला। तेरी चंपा गंपा लेके संतरे बेचने गई। क्या सनकी का सुकून चंपा ये धंधा भी शुरू कर दी? कोई बात नहीं, नया टेस्ट करेंगे, दूसरी ला। यहाँ पे सिवाय भाभी के कोई लेडीज नहीं रहती। तू अपने आप को मुगले आजम हमारे को अनारकली समझ रहा? जो आर्डर पे आर्डर देते जा रहा है, कौन है रे तू? अरे हरे मस्खर हो, इस जगह का राजा हूँ मैं, राजा। पहले जो अरेंजमेंट था, हर रात सुहाग रात चंपा जान के साथ। अब सनकी की सनकी मत फिरा, जा फ्रेश माल लेके आ।
अरे कैसे दलाला है रे तुम लोग, बॉस का हुक्म डाल रहे, जाओ। तेरी माँ का छिचुंदर मारू, मेरे को दलाल बोल रहा। बाहर निकल सपोटे के छिलके। अरे ए बमल मच्छी, तू नहीं गया तो तेरा खून मन्नू भाई पी लेते। बहुत बड़ी गलती कर रही सालो तुम लोग, बहुत बड़ी गलती कर रही, जो सन के गुने पहचान रही। कच्चा चबा दूंगा और डकार भी नहीं लूंगा। याद रखना, जब तक तुम तीनों को नहीं मार देता, सनकी को चैन नहीं मिलेगा। सुखा था मगर क्या सखा था यार। बुम्बल मच्छी बहुत धारकारी निकला। अब आप कहीं कुमार यार हो? लोगा फोन आ करके घर में पूछ रहे माला है क्या, कौन की घुस के बोल रहा चंपा चंपा चंपा, और तू हर बात में मेरी सिमरन को बीच में कहीं कुलाता रहे। तुम लोगों के जैसे दोस्तार है ना, तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है मेरे को। हाँ मनु भाई, कुछ तो गड़बड़ है बंगले में, मगर डोंट वरी, जब तक हम तीनों साथ है ना, वक्त आने पे किसको भी देख लेंगे। अरे साहिल। अरे मन्नू भाई। अरे कई को पुकार रहा, पैंट में चुमटियां घुस गए। अरे तेरे को 50 बार बोला ना भाई, इतना जोर से रखो पुकार बोल के, मेरा हार्ट फेल हो जाता मालूम। अरे यारो देखो जरा इधर देखो, पेपर में चंपा के आशिक की फोटो छपी, क्या लिखा हुआ पढ़ो तो सही। अरे मियां कहीं इन्हें पेपर वालों से मिलके अपने खिलाफ कुछ कर रहा तो नहीं। क्या हुआ, गले में हल्लक फंस गया क्या? अरे ऐसा क्या तो भी पढ़ लिया जिसे तेरे आंखा खुल गया, मुंह फट गया। अब देखो क्या क्या फटता। अरे बोल मेरे भाई, क्या तो भी लिखा, डरा डरा के मार डालता क्या? तेरा मर्डर पहले कर तो मिलके प्लान कर रहा क्या उन्हें? मेरी छोड़ो मन्नू भाई, तुम एक काम करो। क्या? चूहे मारने का जहर आता नहीं? हाँ। वो खा लो। और आनंद तू कोई भी साइकिल के नीचे आके खुदकुशी कर ले। तू जब भी मुंह खोलता खै करता क्या रे? अरे साहिल सही सही बोल रहे, मेरी सांस नीचे से निकल जा रही रे। कल रात को जिसके पिछवाड़े पे अपन लाता मार के घर से बाहर निकाले नहीं, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, शहर का सबसे खतरनाक डॉन संकी बिरजू है, जो पुलिस को चकमा देके फरार हो गया जेल से। अम्मा मेरी नको रे, बाबा मेरे बोल। काई को? ये संकी बिरजू शहर के सबसे खतरनाक डॉन ठकराल का भाई है। ठकराल यानी वो डॉन? काम बहुत खतरनाक है, होशियारी से करोगे तो आसान होगा। ये तो रोज का काम है साहब। अच्छा, अगर गलती से भी गलती करोगे तो गर्दन काट देंगे, और उसमें कोई गलती नहीं होगी। इतनी तकलीफ नहीं दूंगा साहब, बहुत बारीक काम करूंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। चलता हूँ साहब। हाँ चल। माल तो यहाँ पर है, पार्टी को क्या दिए? आटा और नमक मिला के दिया साहब, हॉल फिट चका भी नहीं, डिलीवरी ले लिया। फिर अभी? अभी? अरे साहब बाजरा बाजरा झटकना। तू नहीं सुधरेगा अभी। ओफो ये वही ठकराल है? ये वही ठकराल है जो मैं से घस लिया था, और मैं उसकी और उसके भाइयों की तबीयत से फोड़ा था। अब समझ में आया मैं तुम दोनों को कहीं बुलाया ये घर में? बैगन में मिला ने? अरे बैगन में तुम लोगों मिला है सोहरे ठकराल को, इसके वास्ते मैं तुम दोनों की मदद लिया। हाँ मगर ठकराल का ये बंगले से क्या ताल्लुक? बाबलिया पछाड़ ये घर के पेपर्स जाली बनाओ बोला ठकराल के नाम पे, मगर मैं वो पेपर्स अपन तीनों के नाम पे बना लिया। आखिर ये प्रॉपर्टी है किसकी? वो सब तुम लोगों को कहीं को। ओफो बहुत बड़ा नक्शा फिट करा रहे गिड्डा। पहला सदमा है, निकल जाएंगे, नहीं तो और कितने सदमे मिलते की। तुम लोग परेशान कहीं को रहे? मैं हूँ ना, और तुम लोग के 33.3% भी तो है। नक्को बड़े भाई, तुम्हारे 33.3% की चक्कर में हम लोगों की 3-5 हो रही। हिस्सा मिलता बोल के उछकाला, रोज कल्ले को पचकड़ा मार मार के सुझा दिया, अब एक सेकंड नहीं ठहरता मैं। चल रे साहिल। अरे अरे रुक जाओ रे, नको जाओ, तुम लोग चले गए तो कैसा होगा? हाँ मेरे दोनों हाथ अकड़ जाएंगे ना, मैं अकेला बैठ के क्या करूंगा घर में? टीवी सीरियल देखो। हाँ? और घर में भाभी है ना, उनको रोज ऐसा घूर लेते बैठो। चल रहे होता। अरे 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 अ
मन्नु भाई तुम्हारे पैर का है, इन्हें तुम्हारे पैर पड़ता, हमारे को माफ कर दो। चल भाई आनंद चल। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ नहीं है। ये मेरा घर है, ये मेरा घर था। यहाँ हम बैठते थे, यहाँ मैं बैठती थी, मेरे पापा वहाँ बैठते थे, मुझे 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 कहानियाँ सुनाते थे, मुझे कहानियाँ सुनाते थे यहाँ बैठ के। और मम्मी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं बैंगलोर से आई हूँ। जब मैंने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली, अपने आप को अनाथ पाया, मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन हैं। लेकिन जब मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ, मुझे इस शहर को देख के लगा इस शहर से मेरा ज़रूर कोई रिश्ता है। और जब मैं इस घर में आई तब मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मुझे पता चल गया कि मेरा पिछला जन्म इसी घर में हुआ था और इसी जगह उस कमीने ने हम सबको मार डाला था। कौन मारा? मेरे चाचा ने। मगर कैकू
इसी प्रॉपर्टी के खातिर। हाँ मगर हम ये बातों पे यकीन कैसे करना? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो खोद कर देख लो। मतलब यहीं पर उस कमीने ने मारकर हमें दफना दिया। देखो अम्मा, ये घर हम खरीद लिए, अब ये प्रॉपर्टी के हम मालिक है। और चलो हम तुम्हारी बात का यकीन कर लिए समझो, मगर ये बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते? क्या मैं अपनी जिंदगी के कुछ पल उन सुनहरी यादों के साथ गुजार सकती हूँ? अरे यारो, नहीं आ रही थी, बोल रही यारो। मतलब तुम यहाँ रहना चाह रही? अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। एक मिनट सुनो, तुम्हारे को खोआ पूरी बनाना आता? What? नहीं, मेरे को बहुत पसंद है खोआ पूरी, इस वास्ते। इसका मतलब मैं यहाँ? Oh, you're so sweet. Thank you. Thank you. अरे अरे मियाँ, ने अंदर जारी, रोको उसको। अरे जारी तो जाने दो यारो। अरे साहिल चल रहे, चल अपने को जाना, चल। अरे 33.3% नहीं होना। अरे बैगन का परसेंटेज, एक काम करो तुम 33.3 तुम रख लो, 33.3 तुम्हारे वो भूतने को दे दो, 33.3 तुम्हारे पुतले को दे दो। अब्बो, हजार बार बोला पुतला नहीं भाभी बोल, भाभी। पिंडा भी नहीं बोलता हूँ, चल रे साहिल चल। अरे साहिल, अरे मेरे भाई साहिल चल रहे। जाना कैंसल। अरे मियाँ कैसा कैंसल करते, पहले वो ठकराल के भाई को मार दिए, अब ये भूतने घर में घुस गए यारो। मेरे को खोआ पूरी खाने का है। अरे एक पप्पी में पिघल गया क्या? अरे जाने देना, उन्हें उसके हाथ की बनाई हुई खोवा पूरी खाना चाह रहा, तेरे को एक तकलीफ भरी, चल। कौन सी पूरी खाता की क्या है की? साहिल, ये साहिल, अरे उठ रे साहिल, हट बे। इसको उठाना भी बेकार है, सीधा तलवार लेके पीछे आ जाता। अरे आनंद, अरे आनंद, अरे है निकल गया, उठ। अरे इतनी रात को क्या है यार वो? पिशावर आ रहे मेरे को। अरे ये बोलने के वास्ते उठा है मन्नू भाई तुम? अकेले जाने डरवा रहे। अरे भाभी को लेके जाओ। दीवाने बात कर रहा, क्या समझेंगी उन्हें? अरे क्या है कि भाई, ये रात में दमनों को करो, नींदारी हटो यहाँ से। कंट्रोल नहीं हो रहा, रेने तो बताता था। भूत, अरे भूत, 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 अरे भूत, अरे अम्मा किधर किधर? मेरे को पहले डर था, रे घर में शैतान है बोल के। मैं टॉयलेट को गया पेशाब करने, मैं जैसा दरवाजा खोला लाइट खुद ब खुद खुल गई, और जैसा दरवाजा बंद करा लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। अरे थू तेरे की, तुम फ्री में मूड के आ गए यारो। वही बोलो, ठंडी ठंडी हवा कहीं को मार रही बल्कि। इतनी रात को कौन है यारो? जाके देखना मालूम पड़ता। हौला देख रहा हूं मैं, जाने के वास्ते इससे अलग है बात होती रही मेरे को। अरे इसको इसको भेजा रहे। अरे जाके देख, तुम आगे जाओ। तू डरा के ठहर। अरे मनु है। हेलो मनु जी, कैसे हैं आप? आप है खाली पीली डरा दिए ना बेल बजा के हमारे को। जी नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपसे थोड़ी शक्कर ले लूं। शक्कर दे दिया तो नींद आ जाती? कोशिश करूंगी, अगर नहीं आई तो फिर और मांगने आ जाऊंगी। वैसे भी आपके अलावा इस पड़ोस में मेरा है ही कौन। एक काम कर, तो शक्कर का पूरा थैला दे दो, ठीक है? जब भी नींद यही लेके थोड़ा थोड़ा फाक लो, समझे? कोशिश करूंगी। वैसे ये आपके कौन है? ये मेरा बेटा है। बेटा? हाँ। यानी आपकी शादी हो गई? नहीं, 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 इसको मैं जुमेरात बाजार से लाया। ओह,
बेचारा यतीम है। दूसरा यतीम ऊपर सो रहा। क्या? हाँ। और उसकी माँ? उसकी माँ का मैं गल्ला दबा के मार डाला। क्यों? उसको भी रोज रात में शक्कर मांगने की आदत थी। क्या? हाँ। बाय मनु जी। बाय बाय। बाय। लगा दरवाजा। क्या? मैं पुराना सामान हूँ, मेरे को तुम जुमेरात बाजार से खरीद के लाए? अरे मन्नू भाई, मेरी अम्मा बाबा नलगुंडे में जिंदा है, मेरे को तुम ऐसे चाची बना लेते यारो। शुक्र कर जुमेरात बाजार बोला, कुछ और नहीं बोला, समझा? चल जावरो जाओ। अब क्या चाय की पत्ती नहीं है? अब क्या है? सुनो जी, मैं सोचती हूँ मैं शक्कर खाना ही छोड़ दूँ। फिर तो मैं आपको 100% मार दूंगा। क्या? हाँ, दूसरे यतीम की अम्मा भी शक्कर खाना छोड़ दी थी। बाय मनु जी। बाय 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 बाय। जाओ, एहसान करो मेरे पे। अरे मन्नू भाई, इतनी अच्छी पड़ोसन को कई को ठोकर आ रहे, अगर तुम शादी कर लिए तो तुम्हारा घर बस जाता ना। उसकी उम्र देख, मेरी उम्र देख, समझा? उसके साथ शादी कराना तो मेरा घर बसने से पहले उन्हें उखड़ जाती। बात आ कर रहा। ये बात भी सही है। देखो आगे नहीं छोड़ तो रहे अब। बाप लिया पछाड़ को पछकार। अबे अबे ओ इलायची के दाने, तू यहाँ क्या कर रहा है? जिसका कोई नहीं उसका। अबे ओ कटी पतंग, कहाँ भाग रहा है? भाई हवा उधर की चल रही ना। तो इधर आ, इधर आ तू। एक तुम इधर आ, इधर। भाई का माल पार्टी को दिया बोले तो पुलिस को दे क्या था रे मुखबिर साले? तुम दोनों के ऊपर जाने का वीजा लग गया रे, लग गया रे तुम दोनों के ऊपर जाने का वीजा। भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं है ना। अबे वो भी बना देता हूँ साले। और तू भाई के नाम पे प्रॉपर्टी के पेपर्स बना बोले तो खुद कब्जा करके बैठा रे, तेरी हिम्मत कैसा हुई रे साले? साले तुम लोग यहाँ पर परेशान कर रहे हो और उधर संगी जेल से बाहर कर हमको टेंशन दे रहा है। हाँ, यहाँ के हमारे को भी परेशान करा। क्या संगी यहाँ आया था? अगर पहलवान तुम्हारा भाई है बोल के हमको मालूम होता तो मन्नू भाई नहीं मारते थे उसको। संगी को मारा तू? तू गया रे, तू फ्रिज रे तू। अरे पहलवान जान से नहीं मारा। हाँ? खाली धप्पे मारा, वो भी हल्लू हल्लू। अरे पहलवान इधर मारा, उधर मारा, और देखो उन भी मारा देखो। अरे ये यहाँ पर है, पकड़ो रे उसको। पकड़ो उसको। अरे पहलवान मन्नू भाई तुम्हारे गर्दन पछाड़ देते तुम्हारे पट्टे पूरे भाग गए। हाँ? हाँ? जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अच्छे सही टाइम बैटरी दिया रे तू। इसकी माँ का सट्टा मारे। छोड़ूंगा नहीं सर, पहले संगी का पता नहीं चल रहा है, परेशान हूँ और ये लोग भी टेंशन दे रहे हैं। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस जिंदगी के कुछ लम्हे याद कर रही थी। आंखों में आंसू, क्या हुआ? कभी कभी हल्के हवा के झोंके भी तूफान ले आते हैं। पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी क्या बात है? कुछ मीठी सी पुरानी यादें, जैसे दिल पर तीर चला दी हो। मेरे को मालूम है तुम्हारा गुजरा हुआ कल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गुजरे हुए कल के लिए आने वाले कल को आने ना दो। जिंदगी एक बार नसीब होती है किरण, बट यू आर वेरी लकी, तुम्हें दूसरी बार मिली। तो क्यों ना तुम इस जिंदगी में वो सब कुछ करो जो तुम पिछली जिंदगी में नहीं कर सकी। हो सकता है तुम्हें खुश देखकर वो लोगों को भी खुशी हो जो वहां बैठकर तुम्हें देख रहे हैं। किसी के आंखों में अगर कुछ देर बाद आंसू आने वाले हो तो थोड़ी देर के लिए उसके होठों पर मुस्कुराहट नहीं लाना चाहिए। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए अपना दर्द छुपाकर रिश्ते निभाना पड़ता है। लेकिन मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं हूं ना। क्या क्या रिश्ता है हमारे बीच? इस दुनिया में 600 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, हिंदुस्तान में 100 करोड़, इस शहर में 2 करोड़, इस घर में 4 और इस कमरे में हम दोनों। फिर भी तुम पूछ रहे हो हमारे बीच
क्या रिश्ता है? क्या ये जरूरी है कि कोई रिश्ता हो? जिंदगी में एक अच्छा दोस्त मिल जाए बस काफी है। मैं नहीं मानता कि एक लड़का लड़की के बीच सिर्फ दोस्ती होती, जब वो करीब आ जाते तो बहुत कुछ हो जाता। साहिल, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? पागल हो तुम। बिल्कुल सही बोले तुम। जब से तुम्हारे को देखा मेरे को भी लग रहा हम दोनों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता जरूर है। Are you crazy? बचपन से। क्या? मैं चाहता हूँ जब तक तुम यहाँ पे रहो मुस्कुराते रहो। देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में कितने रंग भर देता हूँ। अरे रंग से मेरे को याद आया, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? What? ब्राउन? No. साहिल। No, let me guess, let me guess. एक मिनट, मेरी बात सुनो। पिंक तुम्हारे बहुत सूट करे। लेकिन तुम्हें सब अरे कौन है रे? अरे ठहर मियां, आ रहा हूं। कहीं को पुकार रहा? हेलो आनंद स्पीड किंग बोल रहा हूँ। दो चिकन बिरयानी, एक वेज मंचूरिया, एक खम्बा, एक सोडा और दो गजरों के साथ माल को लेके जल्दी आ। माल को? अरे ना तो ये तेरे बाप की होटल है ना मालों का अड्डा। रख तेरी माँ का जलील मारे फोन, रख तेरी माँ का झट्टा। क्या हुआ मियाँ, किसका फोन था जो तू फुट्टे ढोल के जैसा फड़फड़ा रहा? ऐसा कैसे बैगन के घर में लाके फंसाया रो तुम? फोन करे तो माला है क्या पूछ रहे हैं? अरे मेरी जिंदगी बंदर के डुकडुके की जैसी हो गई, हर कोई बजा रहा और मैं उल्टे कुलाटियां मार रहा हूँ। टेंशन मेरे को भी है रे, मगर मैं सोच रहा हूँ क्या करना है आगे। अब और क्या बाकी रह गया? मैयत पे फूला चढ़ा के सांस लेते। तू ऐसे फट्टू चाले करा ना तो मेरी भी सांस रुक जाती। लो आ गया। कहाँ जा रहा रे चंगेज खान? Mind your language, Mr. Mannu. Aba. Right now I am going out with Miss Kiran. I'll come and talk to you. Chale Sahil. Let's go, dear. Happened what to him? Mia, इने खोवा पूरी खालिया जैसा दिख रहा। उन खिलाड़ी, इन खारा, निकल रहा हमारा। तेरा क्या निकल रहा? आप जाने दो मन्नू भाई। पहले चुन लैंग्वेज यूर माइंड बोल के चले गया। मन्नू भाई, दो तीन दिन में लोग आपने को दलाल बना दिए और थोड़े दिन ठहरे तो तुम्हारे को साड़ी, मेरे को मिड्डी पिना के अपन तीनों को लेके चले जाते। ये तीसरा कौन है रे? तुम्हारा पुतला। अरे गिद्दी, अब नहीं छोड़ूंगा रे तेरे को। आंटी मुंह बंद करो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ जाते शुरू। क्या? रेसलिंग कर। तुम अपना पर्स ले लो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलो। कैरियन। मनु भाई पलटो। कई कुरे कैरियन बोल के गया ना तेरी सॉरी। भाई भाई, संगी बुर्जी का पता चल गया है। वो चंपा के घर गया था तो उन तीनों हरामजादों ने उसे मार के भगा दिया। क्या? बिरजू वहां गया क्यों? यहां क्यों नहीं आया? और ये तीन कौन है? वही भाई जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। कौन है ये जो ठकराल से टकराने की जुर्रत रखते हैं? भाई एक तो वही जिसको मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाने के लिए दिया था, और दो वो कबूतर जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, साहिल और आनंद। क्या ये दोनों वहां क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि धनराज हमारे साथ कोई खेल खेल रहा हो? बबलिया भाई, बहुत हो गया तमाशा, अब ठकराल के कदम आगे बढ़ेंगे और इन सबको खत्म कर देंगे। मैं जाऊं साहब? जाओ। थैंक यू, सुबह टाइम पे आ जाता हूं। अच्छा ठीक है जी। हेलो भाई साहब, नमस्कार। तुमने किस लिए फोन किया? आदत से मजबूर हूं, सोचा एक बार आपकी मीठी आवाज सुन लो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझसे बात करो, समझे? भाई साहब बड़ी याद आ रही है आपकी, इसलिए सोचा फोन कर लूं।
तुम्हारी कोई भी चाल मुझ पर असर नहीं करेगी। चाल तो अब हम चलेंगे धनराज, तुम्हारे उन तीन चमचों की सांसों को उखाड़ कर। किसकी बात कर रहे हो? वही तीन चमचों की जिन्हें तुमने अपना मसीहा बनाकर अपने घर में रखा हुआ है। एक बात बता धनराज, इन तीन बच्चों में तूने क्या देखा? चींटी है, जब चाहूं मसल दूंगा। क्या बक रहे हो, मैं किसी को नहीं जानता। जल्दी जान जाओगे, जल्दी जान जाओगे धनराज। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी फिक्र हो रही है धनराज। जरा होशियार रहना। मतलब ये कि जिंदगी तुमसे दूर होती जा रही है। और मौत तुम्हारे करीब आ रही है। बकवास बंद करो। मुझ पर इन धमकियों का कोई असर होने वाला नहीं है। कितने आदमी थे? वो एक आदमी था सब। उसको पहले कभी देखा है? नहीं साहब, पहले उसको नहीं देखा। आप कौन हैं? आई एम गौरव रस्तोगी, आई एम एन एडवोकेट। मैं धनराज सिंघानिया का करीबी दोस्त हूं और उसका लीगल एडवाइजर। और तुम? ये नीचे सिरों पे ब्रेसलेट मिला। ठकराल शिंदे, ये वही है ना जो अपने आप को इस शहर का डॉन समझता है, जिसका भाई सनकी बिरजू भी जेल से फरार है। हाँ सर। देख लिया ना एसीपी साहब, ये तो आपके लिए फुल प्रूफ है। मुझे उम्मीद है आप कानून से खिलवाड़ करने वालों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। आप भरोसा रखिए मिस्टर रस्तोगी, लेट्स गो। तेरे को दिला तुम बोला ना, दिला तुम भाई। ए कामे चला बे, दे से पैसे दे कुछ चाहिए तुझे, बहुत पैसा है। पहले ही बोला दिला तुम बोल के। हां बोले तो आप हैं न्यू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्वागत है आपका, बैठिए। मैं यहां बैठने नहीं आया हूं ठकराल। तो फिर बिल्ली जब आंख बंद कर दूध पीती है वो समझती है उसे कोई नहीं देख रहा है, मगर ऐसा नहीं है ठकराल। ये चूहे बिल्ली की कहानी छोड़ो एसीपी, पॉइंट पे आओ। यहां किस लिए आए हो? तुम्हें अरेस्ट करने ठकराल। मुझे किस जुर्म में? धनराज के कत्ल के जुर्म में। क्या धनराज, मेरा भाई वो मर गया? अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, बाकी देखेंगे पुलिस स्टेशन में चलकर। अगर नहीं चलें तो क्या तुम्हें भी यही सवाल पूछना है? ए! ए! चलो एसीपी भैया। भाई नहीं, वकील को फोन कर दो। अच्छा भाई चलो। भैया चल। इस तरह कैसे आप मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार कर सकते हैं एसीपी साहब? कोई सबूत है आपके पास? वकील होकर बचकाना सवाल पूछते हो, आपको सबूत चाहिए? शिंदे सर, इसे पहचानते हो ठकराल? चलने लगे मेरे पायल में दिल बन के बजे।
ए, कुछ बोल। एसीपी साहब, आज के इस दौर में इंसान के भी डुप्लीकेट बनाए जा रहे हैं, और आप इस ब्रेसलेट से क्या साबित कर सकते हैं? अच्छा शिंदे, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी फिक्र हो रही है धनराज, जरा होशियार रहना। मतलब? मतलब ये कि जिंदगी तुमसे दूर होती जा रही है और मौत तुम्हारे करीब आ रही है। ये एक बड़ा सच है वकील साहब, ये आवाज जॉनी लीवर की नहीं है। मैं जानता हूं कि ये जॉनी लीवर की आवाज नहीं है, ठकराल की आवाज है। हाँ, मैंने धनराज से बात की, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने उसका कत्ल कर दिया। उन तीन हरामियों से जाकर पूछो जो वहां पर जाकर कब्जा करके बैठे हुए हैं। शिंदे सर, पता लगाओ कि ये तीनों कौन हैं, और जल्द से जल्द वो तीनों मुझे यहाँ चाहिए। ओके सर। इसे ले जाओ, चलो। ठकराल साहब, परसों आपकी बेल हो जाएगी। क्या बोला, क्या बोला तू? परसों आपकी बेल हो जाएगी। कल के कल बेल चाहिए मुझे। पर ठकराल साहब, कल तो संडे है। संडे? कुछ कर, कुछ कर। वकील! हजार बार बोला ज्यादा एक्सपोजिंग नहीं करना। हेलो, बोल। हाँ, कब? क्या हुआ मनु भाई, क्या हुआ है रो? तुम एक नैच काम करते, क्या हुआ तुम्हारे छक्के गए को छूट गए? अरे बोल मेरे भाई, क्या हुआ आखिर? धनराज का मर्डर हो गया। कौन धनराज? जिसके घर में अपन नकली पेपर बना के हैं। हाँ मनु भाई, एक बात बोलो मनु भाई, क्या हम तुम्हारे कभी कोई तकलीफ दी है? हाँ, तुम्हारा कोई नुकसान करे, तुम्हारी बहन को छेड़े, क्या तुम्हारे खानदान की कोई पुट्टी को लेके भागे? अरे यारो, तुम कौन से तो भी जन्म का बदला ले रही, वो कौन सी घड़ी थी कि जो ये फ्लास के साथ आके अपन मिल गए? इसकी भोली सूरत को देख के इसकी मिठी बातों में आ गए। क्या हुआ साहिल? होने वाली है हम दोनों को फांसी। क्या? मैं अपनी दोस्ती की खातिर यहाँ तक आया था मेरे भाई, मैं तेरे को जब ही बोला ये गिड्डा अपने को फंसाता बोल के, आखिर फंसा दिया ना। वो धनराज का मर्डर कौन करेगी? पुलिस तो ये समझेगी ना, हमने नकली पेपर बना के उसको ठिकाने लगा दिए। लालिया ना आखिर अपने रोड पे, अब रोने से क्या फायदा? 33.3% का कांटा डाल के तो हम मच्छियों को फंसा लिया उन्हें। अब पहली फुर्सत में यहाँ से निकलो, पुलिस ढूंढते हुए हमारे किसी भी वक्त यहाँ आ रही होंगी। चलो किरण, अपन जाएंगे यहाँ से। अरे मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे? बोला तो मुंह फोड़ डालूंगा हमारे। लेकिन मेरे कपड़े। अरे फाड़ में क्या कपड़े, चलो यहाँ से। अरे तुम भी चलो यहाँ से। अरे चलो। अरे तुम? राम। लक्ष्मण। सीता। हनुमान। मैं रावण। तुम लोगों में से आनंद कौन है? मेरे अकेले का एक पूछ रहे साहब, ये दोनों भी तो है ना। मगर काम तो तू अकेला करा। ये बिचारी कोई गलती नहीं है साहब, ये गिड्डा उचकाया सो है। ए तो चुप, सब मालूम है मेरे को। अरे साहिल, तेरे को तो मालूम है ना रे, मैं कुछ भी नहीं करा। अरे ये मामले में अपन तीनों है ना रे। तेरी स्टोरी पुलिस स्टेशन चलकर सुना। अरे चल, अरे छोड़ो, पीछे छोड़ो मेरे भाई। अरे छोड़ो यार, अरे साहिल मेरे भाई बचा ले। अच्छा ठीक है, अच्छा है, तेरे को बचा ना। चल चल चल, पूछो पूछो, तेरे कुछ नहीं होता, हम लोग तेरे पीछे आ रहे। किरण गाड़ी चाबी दो, हम लोग आ रहे, मैं मनु भाई आ रहे। चल चल। अरे बस ठीक है। अब अपना भी ऐसी हशर वैसा दिख रहा मेरे को। आई अब है अपनी पे फुटाई। अबे अबे क्या 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 झूठ बोलता है? क्या क्या माफी माफी मांगता है? माफ करो मैडम। साला ओके झूठ ना। ये कौन है रे? मैडम ये आनंद है। अच्छा तो तू है वो जल्लाद? मैं कुछ भी नहीं करा मैडम, मैं बहुत बहुत इंडिसेंट आदमी हूँ। हाँ मैडम। ऐसे कितने केसेस करा रहे तू? मैं अकेला कुछ नहीं करा दीदी। अच्छा, गैंग है तेरी? आप गलत समझ रहे हैं दीदी। तेरे जैसे पुट्टे अपने आप को समझते क्या है बे? तुम लोग कुछ भी गलत करेंगे तो
हम लोग छोड़ देंगे? एक बार मुसल कसी ना तो सही सही मुंह से निकलता। दीदी मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, तुम्हारे कांस्टेबल हूँ, मेरा कॉलर पकड़ के लेके आए। अच्छा तो खाली कॉलर पकड़ के लाया, गधे पर बिठा के लाना था? पुलिस को मजाक समझ रहे क्या तुम लोग? तीन टाइम पिटाई करूंगी ना, तेरा शीरा निकल जाना। आखिर मैं क्या करा मैडम, आप लोग मेरी बैंड बजाने पे तुले हुए हैं। अरे एक बार बजाना बस नहीं हुआ तेरे को? साले शादी करके बीबी को छोड़ दिया और बोल रहा मैं क्या करा, लॉन पना कर रहा। शादी बीवी? अरे ना मेरी कोई शादी हुई ना मेरी कोई बीवी है दीदी। तो फिर वो कौन है रे? जानू मुझे माफ कर दो जानू, मुझे मजबूरी में ये रास्ता अपनाना पड़ा। मेरी इतनी छोटी सी गलती के लिए तुम मुझे छोड़ के चले गए? अरे कौन है जी तुम? प्लीज ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जैसे कहोगे वैसे ही होगा। मुझे अपने साथ ले चलो। अरे छोड़, अरे दीदी इन झूठ बोल रही, इन मेरी जोरू नहीं है। मगर ये मैरिज सर्टिफिकेट सच बोल रहा है ना? नहीं नहीं ये झूठा है। इज्जत से इसको ले जा और प्यार से जिंदगी गुजार। अरे अरे ये क्या जबरदस्ती है दीदी? बकवास नहीं, दो ऑप्शन है तेरे पास, इसके साथ घर जाता या फिर अंदर जाता। थैंक यू मैडम, आपने हमारी जिंदगी संवार दी। अरे हट। हाँ अगर इन्हें कभी तेरे को छोड़ा ना, शहर तो दूर की बात, घर से निकलना भी बंद करा दूंगी इसका। रखो चलो। ट्रैफिक पे क्या बुरा टक गई मियां, किता धोई किसको? क्या हुआ रे आनंद, छोड़ दे तेरे को? नहीं पकड़ के रखो बोले। अरे हट, तेरे नाम क्या आगे मेरा नाम जोड़ ली तो तू मेरी जोरू, मैं तेरा मियां बन जाता हूँ। साहिल मनु भाई समझाइए ना इन्हें। अरे कहीं को सता रहा रे भाई। अरे मियां औरतों को नहीं सताना ऐसा। अरे यार तुम लोग पहचानते इसको? नहीं पहचानते। मैं आपकी भाभी हूँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे वो बिना फेरों की औरत। अरे मियां ये पुलिस वाले लाके मेरे को इसको गले में डाल दिए और तुम दोनों को पहचानती हूँ बोरी? अरे कल का इसका प्लान क्या है कि क्या नहीं किया रो? इन्हें तेरी जोरू है बोरी? हाँ एक क्लास आइटम है, पहली फुर्सत में हाँ कर दे, पटाने गए तो भी हवले ऐसी नहीं पड़ती, तेरी लॉटरी लग गई समझ। अरे मियां आइटम जबरदस्त है, इन्हें राजी नहीं तो मैं कर लेता। अरे घर में सिमरन भाभी है ना यारो? अरे हाँ। पहली फुर्सत में हाँ बोल दे। अरे यारो आज इन मेरी बीवी है बोरी, कल दो बच्चों को ला क्या बोलेंगी, ये तुम्हारे बच्चे है बोले तो क्या करूंगा? अरे तू बच्चों की फिक्र क्यों कर रहा हवले, मन्नू भाई संभाल लेते ना। क्या मैं धर्मशाला खोल लेके बैठा हूँ? अरे अपना घर इतना बड़ा है ना भाई। बात आ कर रहा। अरे चुप बैठ मियां, इतना इधर। साहिल भाई अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, भाड़ में गया घर, भाड़ में गई वो दौलत। ऐसा? अरे क्या सोच रहा भाई? ठीक है अपन एक काम करेंगे, यहाँ से सीधा घर को जाएंगे, पोटी को वहाँ पटक देंगे, अपना सामान और किरण को लेके निकल जाएंगे। हाँ ये पॉइंट भी सही है। चलो ठीक है मनु भाई गाड़ी निकालो। जानू मैं। आओ बैठो। चल मनु भाई चल। मनु भाई पुलिस यहाँ पे क्या कर रही? धनराज के मर्डर के बारे में पूछने तो नहीं आए? मुश्किल है रे, फांसी के फंदे से बचना बहुत मुश्किल है, अगर से हम लोग किरण के वास्ते नहीं आते तो बच जाते थे। चलो देखेंगे। तो तुम लोग हो साहिल आनंद और मन्नू? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मगर बात क्या, तुम लोग को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। मगर कहीं को इंस्पेक्टर साहब? धनराज सिंघानिया का कत्ल हुआ है और तुम तीनों शक के दायरे में हो, चलो। अब इसका क्या करेंगे यारो? निशा किरण, ये निशा है, अपने साथ साथ इनका भी ख्याल रखना और हो सके तो मेरे को भूल जाना, शायद हमारा साथ यहीं तक का था, फिर जिंदगी में मुलाकात होती कि नहीं होती की, लेकिन तुम्हारे साथ गुजारे हुए कुछ पल मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, हो सके तो मेरे को माफ कर देना। चलिए इंस्पेक्टर साहब। साहिल संभालो अपने आप को किरण, संभालो। आई लव यू टू किरण, आई लव यू टू। अपना ख्याल रखना स्वीट हार्ट, तुम भी अपना ख्याल रखो, शायद किस्मत को यही मंजूर था। डोंट वरी, टेक केयर। नो नो नहीं। नहीं।
हम लोग कुछ भी नहीं करे साहब, हम लोग बेकसूर है। 21 तारीख की रात को तुम लोग कहाँ थे? मैं फिल्म देख रहा था साहब, ग्लोरी थिएटर में। मैं घर में सो रहा था साहब। मैं 2020 का मैच देख रहा था साहब। ओ तो धनराज सिंघानिया का खून किसने किया? हमारे को क्या मालूम साहब। मैं बताता हूँ, तुम लोगों ने सिंघानिया हाउस के डुप्लीकेट पेपर्स अपने नाम करवा लिए, और जब मिस्टर सिंघानिया को इस बारे में पता चला, तुम लोगों ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। हा? ये क्या बोल रहे साहब आप? छिंडे, छिंडे। यस सर। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ले जाओ इन्हें अंदर। एक मिनट एसीपी साहब, एक मिनट। एसीपी साहब, ये लोग निर्दोष हैं। इन लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल है। दरअसल जिस समय सिंघानिया हाउस की डील हुई थी, मैं वहीं पे मौजूद था, बल्कि उस डील के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ही तैयार किए। उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ये रही, आप चाहे तो इन्हें चेक कर लीजिए। वो तो मैं कर ही लूंगा मिस्टर रस्तोगी, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम लोग ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम कहीं भी नहीं जाते साहब, यहीं रहते। जहां तक मैंने इन तीनों के बारे में जाना है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग सिंघानिया हाउस खरीदने के काबिल हैं। वो लोग इस काबिल है या नहीं ये तो मैं भी नहीं जानता। अगर आपको शक है तो बैंक स्टेटमेंट, कैश ट्रांजेक्शन जैसे सारे डॉक्यूमेंट इसमें मौजूद है, देख लीजिए। अगर आप चाहें तो विटनेसेस को भी लाकर आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ मैं। और एसीपी साहब, ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब मौका वारदात पर ठकराल के खिलाफ आपको पक्का सबूत मिल चुका है, तो आप इन बेचारों को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो आप मुझे मेरा काम सिखा रहे हैं मिस्टर रस्तोगी? ठकराल के खिलाफ भी तो साजिश हो सकती है। खैर छोड़िए, आप जा सकते हैं। ये रहे आपके पेपर्स। थैंक यू मिस्टर रॉय। रस्तोगी का इस तरह यहां आना इस केस को और उलझा रहा है। हो गया आप तेरा। अरे मारे, क्या मारे? मारे साले को मारे। क्या मारे? कहीं को मार रहे? मार रहे अबे। कल तक जो पेपर एंड डुप्लीकेट थे वो आज ओरिजिनल कैसा हो गए? और वो वकील कहां से की टपक के बोल रहा है ये घर हमारे नाम पे है, ये मेहरबानियां हम पे कैकू हो रहा है? मेरे को खुद नहीं मालूम यार, मैं तो पेपर्स डुप्लीकेट बनाया था, मगर जब वकील आके बोला पेपर्स ओरिजिनल है बोले तो मैं खुद दंग रह गया। तो तुम कैकू नहीं बोले यार, वो वकील झूठ बोला बोल के। अरे वो बैगन के बालों, अगर मैं अपना मुंह खोलता ना तो अपन तीनों इस वक्त लॉकअप के अंदर रहते थे, समझे? चुप बैठो पिंडेश, होशियारी के बात नको करो। तुम वो वकील के साथ मिलके धनराज का मर्डर करे और तलवार हमारे सर पे लटक रही, तुम आखिर हमारे साथ क्या तो भी गेम खेल रहे, आज बताना ही पड़ेगा। अरे दीवाना हो गया क्या? हाँ ये घर में आए जब से मैं तुम दोनों को छोड़ के कहीं गया नहीं, तो मर्डर क्या मेरा भूत जाके करेगा? मेरे को तो तेरे पे शक आ रहा है मुखबिर, इन्हें चपले को पुलिस से मिलकर फंसा रहा है। अम्मा मेरी, इन झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे ऊपर चलो, ऊपर चलो। फिर क्या नई मुसीबत आ गई रही है? क्या हुआ? Why did you shout? निशा, are you okay? अब क्या नया ड्रामा कर रहे हैं? आखिर बोलो क्या तभी हुआ? कौन है ये? और ये डेड बॉडी यहाँ पर कैसे आई? अरे ये तो सनकी बिरजू है, परसों अपने घर में घुस गया तो हमने बाहर ढकल दिए थे, दरवाजा बंद कर दिए। अरे हमारे को क्या मालूम, इन्हें यहीं मर के पड़ा हुआ है। सो इसका मतलब एक्सीडेंटल डेथ, मगर पुलिस ये बात नहीं मानेगी। पापा पुलिस? अब ये बीच में पुलिस वालों का नाम कहीं को भाई? मगर इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा ना। जानू तुम मेरी बीवी है ना, तुम अपने आप को विधवा देखना चाह रही, पुलिस आती सीधा मेरे को फांसी पे चढ़ा देती। साहिल मेरे भाई, अब मेरे से नहीं होता, चल यहाँ से। अबे होले, एसीपी को हमलों पे सिर्फ शक है,
अगर यहाँ से भागे तो पक्का यकीन हुआ था। मियाँ मैं बोल रहा था। तुम चुप बैठो यारो, ये दलदल में तुम ही फंसाए सोए। अब बैगन के आइडिया नको दो। तेरे छाछ मेरे बैगन बोलने का टाइम नहीं है। अब ये सोचो ये डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाना है। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, तू फौरन अपने पुराने अड्डे पे आ जा, जल्दी। अब किसको फोन कर रहे यारो? पुलिस को। अरे भरोसा करो यारो मेरे पे, चलो पहले लाश को ठिकाने लगाएंगे, चलो। मन्नू भाई, तुम किसको तो बुलाए यारो? अरे मेरा पुराना वफादार पट्टा है, तुम ना देखते ही पहचान लेते उसको। मगर मन्नू भाई बोरी में क्या है बोल के बोलते तुम्हारे पट्टे को? माल है बोल के देंगे यारो। बोले तो? अरे नोटा यारो, नोटा। अरे सामने देखो। मन्नू भाई थोड़ा पीछा मारा, गाड़ी रोको यारो। तेरे को क्या है रे, वक्त ना सा। अरे गाड़ी रोको लेफ्ट भाई, गाड़ी रोको। जा जा क्या? अरे वो देख पीछे पीछे आ गया रे अपना शिकार, आ गया। अरे ओ बाप, बहुत दिनों से सुखा सुखा चल रहा था, चल आज हाथ साफ कर लेंगे। अरे नहीं तू आराम से बैठ कर पीना, मैं लोग को देख लेता हूँ। ठीक है जा। ए पैसा निकाल रे, पैसा निकाल रे, पैसा निकाल। मरना नहीं रे भाई, रे भाई मरना नहीं रे, मरना नहीं रे भाई, बोलो देख। ए भाई, ए भाई, ए भाई, अपने पत्थर को नहीं मानने का क्या? उसको मारे तो अपने को मारे जैसा दिखता, और अपनी भी कुछ इज्जत है। फरारी में फिरता हूँ, सफारी में सफर करता हूँ, काली इसको पीछे रखता हूँ, जरूरत पड़े तो प्लेन भी यूज करता हूँ, जम्बी है तलवारों का कारोबार करता हूँ, ट्रेनिंग दे के लोगों को खूनखार बना देता हूँ, माई बोलने वाले को जेबक में रख के घूमता हूँ, सरफरे जम्बियों को कौड़ी के दाम में बेचता हूँ। जब तक मार्केट में माल सप्लाई होने का परमिशन नहीं दिया, मार्केट में माल सप्लाई नहीं होता, मार्केट में माल सप्लाई नहीं हुआ तो ना खून खराब होता, ना शोर शराबा होता, ना कोई जख्मी होता, ना किसी का मटर होता, ना किसी की अम्मा खाने को देती, ना किसी का। हौले तू यहाँ क्या कर रहा? तेरे को तो अमेरिका में होना चाहिए। सही बोल रहे उस्ताद। फिर मेरे को? तेरे को कुछ नहीं रे, घर पे इनकम टैक्स की रेड हो गई, मेरा सारा माल बोरी में उठा के लेकर समझा, कहीं भी ले जाके ठिकाने लगा दे, अपन बाद में देख लेंगे। अच्छी बात है मनु भाई, अरे आओ जल्दी आओ। चलो। अरे अरे नहीं यार संभालो। अरे देख के कहीं नोटा बाहर गिरेंगे। गाड़ी मेरे को बोरी सही तरीके से ठिकाने लगा, तेरी जिंदगी बना देता हूँ। उसके घर पे इनकम टैक्स वाले रेट डाले। गाड़ी रोक रे, अरे गाड़ी रोक। क्या हुआ अन्ना? गाड़ी कहीं को रुका है अन्ना? क्या हुआ अन्ना? अरे कुछ भी नहीं रे, बोरी खोल। मन्नू भाई का माल है अन्ना। अरे खोल तो आने फेरे दियो। जितनी आवाज उतनी अकल। क्या बोला? बोरी खोल। अरे ये तो संकी बिरजू की लाश है, इसका मतलब मन्नू ठकराल के भाई संजीव गुरुजी को मार के उसकी डेड बॉडी अपने हवाले कर दिया, और बोल रहा था साला मेरी जिंदगी बना दे तो। अब इसका क्या करेंगे? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चलो। ठहरो ठहरो, अन्ना लारी है वहाँ। अरे क्या करूँ रे, लारी में डाल देंगे अन्ना। अरे बहुत अच्छा आइडिया है, जल्दी ला, जल्दी ला। चलो जल्दी करो। अरे उसका मुँह बंद करो, मुँह बंद हो, लेके आ रहे खदो। ला रहे अन्ना, लेके आओ जल्दी। चलो 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 चलो। चल अरे छोड़ो सा, अरे छोड़ो सा, अरे मैं कुछ छोड़ो सा, अरे चल बे चल, अरे
साले बैठ साले बैठ अरे निकाल गाड़ी निकाल चलो यारो नहीं चाहते हुए भी परेशानियों की हड्डी निगलना पड़ता घर में रहे तो भी मुश्किल बाहर गए तो भी मुश्किल किसकी बदवा लगी कि मियां मुसीबत जाने का नाम ही नहीं ले रहे और ऊपर से तुम वो बड़े नाले की छोटी मोरी को बुला के थैला दे दिए किसी को मालूम हो गया तो तुम लोगों को उस दिन मालूम पड़ा था मेरा पट्टा है सो अरे मन्नू भाई पर राइट काम करता बैगन के तुम्हारे को खाली मोतबरी के बात करने आता तू जा भाई अरे अब किसका मुर्दा दिख गया रे इसको क्या हुआ अरे कुछ तो बोलो आखिर हुआ क्या मेरे पास आओ ना नहीं नहीं प्लीज अरे नहीं बोला ना ठीक है मैं ही आ जाती हूँ काई को तुम्हें कुछ दिखाना है अरे पहले बुला के लाज दिखाए अब क्या दिखाते सूरत मेरी आंखों में तुम्हारी सूरत दिखाना चाहती हूँ देखो ना मेरी आंखों में तुम्हारी सूरत साफ दिखाई देती है कहाँ से नजर आती कीचड़ भरा हुआ है मक्कारी का जहाँ भी मैं देखती हूँ तुम ही तुम नजर आते हो क्या दीवानेपन के बात आ कर रही सच कहा दीवानी हो गई हूँ इतने दिन तुमसे दूर रहकर जाना कि प्यार क्या होता है कुछ भी नहीं होता ऐसा जबरदस्ती गले पड़े तो उसको प्यार नहीं बोलते डोंट बी सो रूड आनंद आई रियली लव यू इंग्लिश में बात नको करो समझ में नहीं आता तुम कितने भोले हो आनंद अरे भोले है बोल के तो होला बना रहे ऐसे क्यों कर रहे हो अरे दूर मत जाओ मेरे नर्म होठों को छूने का मुझे अपने बाहों में भर लेने का मुझे इस तरह से देखकर तुम्हें कुछ नहीं होता होता ना भेजा खराब हो जाता तो कुछ करो ना अरे अरे हटो नहीं करता फुगट में मिठाई खिलाए तो उसमें जहर मिला हुआ होगा बोल के शक होता नहीं आनंद इतना भी गलत मत समझो अपनी मजबूत बाहों में मुझे जकड़ लो मेरे बदन में लगी हुई आग को बुझा दो अरे क्या मेरे को फायर इंजन वाला समझ रही बुझा दो ना प्लीज अरे अरे छोड़ो कैसे आदमी हो तुम बर्फ की तरह जमे खड़े हो ठंडा ठंडा समझ रहे मेरे को मेरी गर्मी क्या है अब भी बता दो आनंद आनंद क्या कर रहे हो ये मर्दान को लगा तुम अब भी बता दो मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं तू मेरी बीवी बन के आई थी ना मगर मैं कुछ नहीं करूंगा ये तू भी जानती है कि तू मेरी बीवी नहीं होती मैं एक शरीफ आदमी हूं किसी भी लड़की की जिंदगी मैं खराब नहीं कर सकता इज्जत करता हूं मैं औरत की अरे मैं तो फिर भी एक मर्द हूं मगर तू तू तो एक हिंदुस्तानी औरत है गुड इवनिंग मैडम मैंने जो काम तुमसे कहा था वो तुमने अच्छे से किया है डैनी गुड ये रहे बाकी के पैसे थैंक यू मैडम
हाँ, अगर और कोई काम हो तो बुला लूंगी, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। अब तक जो कुछ भी हुआ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ, अब आगे क्या होगा? कुछ दिन और अपने को इंतजार करना पड़ेगा। अब तक तो अपनी हर एक चाल कामयाब हुई। इतना बड़ा खेल और किसी को पता नहीं चला, शायद ये तुम्हारे बगैर पॉसिबल नहीं होता। निशा यानी मैं, अगर मैं सही समय पर एंट्री नहीं मारती तो शायद खेल अधूरा रह जाता, मगर ऐसा नहीं है। सभी ने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। निभाना जरूरी था क्योंकि बात लाखों की नहीं करोड़ों की है। ये वक्त एक दूसरे के तारीफों के पुल बांधने का नहीं है, बल्कि चौकन्ने रहने का है। आप कहना क्या चाहते हैं डैड? ठकराल बेल पर छूट गया है। मतलब अपने को ठकराल की किसी भी चाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक समझा। तो कुछ दिन और इंतजार करना है। लेट्स गो। मन्नू भाई का घर यही है क्या? ये चल उस्ताद। हाँ चलो। ठीक है उस्ताद। ए मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। अरे ठहर रे, एक साथ क्या बजाते जा रहा? क्या है? आप जो पुतला ऑर्डर किए थे वो लेके आया। पुतला? भाभी बोल रहे, भाभी। गलती हो गई साहब, माफ करना। अरे मकबूल देख क्या उठा रहे, चलो चल संभाल के लेके चल। आराम से कर रे, गड़बड़ नको कर, गड़बड़ नको कर, देख के कमर बल खा जाएंगी, नाजुक है। ठीक साहब, इनाम जो ना। अरे ले रे, आज तुम लोग ऐश करो, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब एक छोड़ के दो आ गए, जाओ लो ऐश करो। थैंक यू साहब, शुक्रिया। चल ऐश करेंगे। बड़ी वाली छोटी वाली, बड़ी वाली। अरे मन्नू भाई, बड़ी वाली छोटी वाली। मन्नू भाई, अरे पप्पू अप्पा कहीं कुमारा यार हो क्या तू भी आखिर इसके अंदर? अरे नहीं रे, मेरी साइज की सिमरन का ऑर्डर करा था, आ गई। ऐसा मैं समझ रहा हूँ पागल खाने से गाड़ी आई शायद तुम्हारे को लेके जाने के वास्ते। बोले रे, आज क्या बोलता बोले, आज सब माफ है तेरे को, आज मैं बहुत खुश। पागल हो गया रे गिड्डा। अब एक छोड़ के दो डाल लेगा रे, छोटी वाली बड़ी वाली, छोटी वाली बड़ी वाली, छोटी वाली। हाय मेरी जान, हाय रे हाय, मैं तेरे दीदार कैसे करूं? बेचैनी हो रही मेरे को, मेरे दिल का सुकून, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जिस्म की गर्मी, मैं तेरे दीदार कैसे करूं? अरे कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुझको। कैसा कैसा की हो रहा रे मेरे को, कैसा कैसा की हो रहा। एक काम करता हूँ, आंखा बंद करके खोलता हूँ। खुल जा सिम सिम। अरे बोल बोल जल्दी बोल, कैसी दिख रही? अरे बोल रे, कैसी दिख रही? क्या हुआ रे? तेरी तो बोलती बंद हो गई नहीं? हाँ इतनी खूबसूरत है जो तू गायब हो गया, कहाँ तो भी चला गया रे, इसकी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हुई तेरे से। अच्छा करा हम दोनों को अकेला छोड़ दिया। मन्नू भाई एक काम करता हूँ, शुरुआत पप्पी से करता हूँ। अरे शंकर, शंकर! साहब ये तीनों साहब मेरे को लाश दिए, और देखो साहब साहब बॉडी भी है साथ साथ में। निकल ले बेटा साहिब।
साहब एक नंबर का कमीना है ये। ये सब क्या हो रहा है रो? हाँ? मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साहब। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। इसका कहना है कि तुम लोगों ने मिलकर संकी बिरजू का खून किया है। हम आपको सूरत से खतल करने वाले दिख रहे साहब। साहब हम लोग भोले भाले बच्चे हैं, खाते पीते सो घराने के हैं हम लोग। ये लोग सच कह रहे हैं सर, ये लोग किसी का खून नहीं कर सकते। हाँ सर, ये लोग बहुत ही भोले भाले है, ये लोग बहुत ही डरपोक है सर। देखो साहब, जब ये लेडीज बोल रहे हैं तो सही छूंगा ना? साहब ये बैल आपको भटका रहा, इसकी नाक में रस्सी डाल के लेके चले जाओ। अरे तुमने झूठे बताओ कि मेरे को फंसा रहे मनु भाई। अरे तू है कौन रे? जिंदगी में तेरी सूरत नहीं देखा मैं आज तक कभी। खामोश। पुलिस को जिंदा या मुर्दा संकी बिरजू की तलाश थी और उसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी था। पता नहीं है इनाम किसको दूं। शाबाश मेरे शेर, मेरे को मालूम था तू अच्छा काम करेगा। जो मेरे कहने पे तू पुलिस स्टेशन को लेके चले गया लाश। चुप बैठो पिलपिले आम, दाल लेके है साहब। संकी को मैं मारा। हम लोग दोनों मिलके मारे साहब इसको। हम दोनों 2.5-2.5 लाख रुपए बांट लेंगे बोल के। हाँ तो फिर मेरा हिस्सा। साहब साहब मेरे को भी थोड़ा दियो ना साहब। शट अप। इनाम किसको मिलेगा इसका फैसला बाद में होगा। हेलो एम्बुलेंस। चला गया ना, चला गया ना हम सबको छोड़कर। हम सब तेरे जाने के गम में रो रहे और तू हंस रहा। बबलिया, बबलिया देख। जी देख जी। मरने के बाद भी मेरा भाई कैसे हंस रहा है देख। जानता है ये क्यों हंस रहा है? क्योंकि ये ठकराल का भाई है। ठकराल का भाई है ये। हंसता रुको भाई, होनी को कौन टाल सकता है। ये अनहोनी है बबलिया। ठकराल के रहते उसका भाई कैसे मर सकता है? कैसे मर सकता है उसका भाई? अपने आप को संभालो भाई, भाई अपने आप को संभालो भाई। हौसला रखो भाई, भाई अगर आप ऐसा रोएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा भाई? मेरा बच्चा था वो, बच्चे की तरह पाला था मैंने उसे। नहीं, बिरजू को मारकर उन लोगों ने मेरे दोनों बाजू काट दिए। उसकी मौत बेकार नहीं जाएगी, बारूद में चिंगारी का काम करेगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तररम तररम पम पम, कभी खुशी कभी गम, मन्नु भाई चाय पी लो। हेलो, हाँ मैं साहिल बोल रहा हूँ। क्या? ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ साहिल, क्या हुआ? डैनी, धनराज मर्डर केस में अरेस्ट हो गया। व्हाट? अब क्या होगा? इसका मतलब सारे राज खुल जाएंगे। हो सकता है अगर डैनी ने अपना मुंह खोल दिया तो हमारा बना बनाया प्लान बिगड़ सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या करें? तुम खामोश क्यों हो साहिल, क्या सोच रहे हो? मेरे को दिख रहा हमारे बिछाए हुए जाल में हम खुद फंस जाएंगे। डैनी का पकड़ा जाना हमारे लिए
बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। भाई एक काम करेंगे, तुम लोग चलो मेरे साथ। लेकिन साहिल। अरे बताता हूँ बाबा, चलो तो सही। लेकिन क्या करना चाहते हो? डोंट आस्क क्वेश्चंस, जस्ट लिसन टू मी, कम। प्लान क्या है? किधर जा रहे हो तुम लोग हम लोगों को छोड़ के? और ये मर्डर वर्डर की क्या बात कर रहे हैं? देख आनंद, मैं तेरे को सब बाद में समझाता हूँ। बाद में न करे भाई, अभी समझा। अरे मैं अपने आप को सबसे बड़ा धारकारी समझता था, मगर इन्हें तो मेरा उस्ताद निकला। मन्नू भाई, इस वक्त मेरे को रोका नको, जाने दो प्लीज। अरे ऐसा कैसा जाता है मियां, हमारे को यहाँ अटका के। अरे मियां, मेरे को तो शक हो रहा, धनराज का मर्डर ये लोग करे। अम्मा मेरी। अरे मेरे भाई, मेरे सीने में दर्द दे रहा, सही सही बता आखिर हुआ क्या? देखो मैं तुम लोगों को कोई जवाब नहीं दे सकता, चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई, ठहरो जरा। मैं बोला ना तुम लोगों को समझाता हूँ भाई। अरे कब समझाता, अभी समझा भाई। क्या क्या समझाता, मेरे से नहीं होता। नमस्कार बंधुओं, ऐसी भी क्या जल्दी है, हम आए और आप चल दिए, ये क्या बात हुई? ठकराल तुम यहाँ? कोई सवाल नहीं, बहुत खेल खेल लिया तुम लोगों ने, अब मेरी बारी है। भाई आपको घर होना है ना, आप ले लो भाई। हाँ हाँ भाई, हम चले आते। चलो मनु भाई। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यही ढेर कर दूंगा, खड़े रहो। क्या बात है, नसीब हो तो ठकराल जैसा आया था इन चिकनों को उठाने, और तुम भी मिल गई। देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा अगर तुम मेरे हाथ मत लगा ठकरा। ज्यादा आवाज की तो यही टपका दूंगा। ले चल इसको। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो ठकराल से ऊंची आवाज में बात करे, लेकिन तूने एक बार मेरे साथ बदतमीजी की थी, याद है? भाग गया था, नहीं तो खोपड़ी में सुराख कर देता। क्यों बे, मेरा सारा माल पुलिस को पकड़वा दिया? बहुत होशियार बनते हो तुम लोग। अब्बा झपड़ा हिल गया रे। क्यों बे, हाँ डेढ़ फुट क्या? नहीं भाई, मैं 5'4" हूँ। हाँ 5'4"? अबे तू 7 फीट का भी तो क्या कर लेता। हाँ मैंने तुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाने दिया था और तू कब्जा करके बैठ गया। हाथ है कब की रहे रे। मेरी प्यारी भतीजी कैसी हो तुम? क्या इन तुम्हारी भतीजी है? अम्मा मेरी, एक बेटी अपने बाप को मार डाली, अब तो पूरा यकीन हो गया मेरे को ये दोनों मिलके मारे मियां धनराज को। क्या क्या कहा तूने? हाँ ठकराल भाई, आज ही ये दोनों का राज खुला। अच्छा करा रे साहिल तू, मैं तेरे को एक अच्छा दोस्त समझा था, मैं तेरा क्या बिगाड़ा रे जो तू मेरे को लाके यहाँ फंसा दिया। वाह बहुत खूब, मजा आ गया। तो असली कातिल तुम हो और पुलिस मुझ पे शक कर रही है, और करे भी क्यों ना, सौतेला भाई जो ठहरा। पर तू तो असली बेटी थी, अपने आशिक से मिलकर अपने सगे बाप को मार दिया। वाह छी 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 छी, कितनी कमीनी लड़की है तू, मालूम है तेरे को? और ये मोहतरमा कौन है? मैं निशा हूँ। निशा कौन? निशा और रस्तोगी की बेटी है। रस्तोगी, वो काला कौवा? अच्छा तो तुम लोगों के साथ वो भी मिला हुआ है। अरे मियां अब मालूम हो रहा उस दिन पुलिस स्टेशन में असली पेपर कैसा गए? सही बोले तुम। बाबलिया हाय। मेरी प्यारी भतीजी साइन कर,
क्या लिखा है इसमें? इसमें सिर्फ ये लिखा है कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रही हैं और आपको कोई एतराज नहीं है। साइन कीजिए। मैं साइन नहीं करूंगी। साइन! मैं साइन नहीं करूंगी। तेरी तुम है। बहुत हो गया ठकराल। मैं देखता हूँ कितनी गर्मी है इसमें। पुराना हिसाब भी चुकाना है मुझे। तू जिंदा है? हाँ, मैं जिंदा हूँ। तेरी हर चाल को नाकामयाब बनाने के लिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। नाटक? कैसा नाटक? मैं बताती हूँ। जब से तुम मेरे डैड को धमकियाँ देने लगे, मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे डैड की जान को खतरा है। फिर मैंने डैनी को हायर किया, क्योंकि मुझे मेरे डैड की हूबहू पर्सनैलिटी के जैसी एक डेड बॉडी की जरूरत थी, क्योंकि मेरे डैडी के डेड बॉडी की जगह उस बॉडी को रिप्लेस करनी थी। उस रात डैनी ने मेरे गार्ड्स को जख्मी किया ताकि दुनिया को ये मर्डर जेन्युइन लगे। लेकिन अगर उस दिन डैनी वक्त पर नहीं पहुंचता तो ठकराल तेरे आदमी मुझे जरूर खत्म कर देते। लेकिन मेरा ब्रेसलेट वहां पहुंचा कैसे? वो मैं बताता हूं। उन मुजरे वालों को तेरी जासूसी करने के लिए मैंने तेरे पास भेजा था, लेकिन तूने अपना ब्रेसलेट देकर हमारा प्लान और भी मजबूत कर दिया।
और जब एसीपी साहब ने साहिल, मन्नू और आनंद को धनराज के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था, तब मुझे असली पेपर लाकर उन्हें बेगुनाह साबित करना बहुत जरूरी हो गया था, वरना ठकराल तू और भी मजबूत हो जाता। एसीपी साहब ले जाइए इनको। ए! तेरी तेरे ए! 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 चलो चलो। एसीपी साहब, लेकिन आपने तो डैनी को, जी हाँ, अरेस्ट किया था, तभी तो हमें सच्चाई का पता चला। मगर तू ये नक्शा कब फिट करा मियां? जिस दिन तुम मेरे को प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर्स बताए, तो उस पे मैं धनराज सिंघानिया का नाम देख लिया और मेरे को पूरा यकीन हो गया कि ये धनराज सिंघानिया मेरी कॉलेज की फ्रेंड किरण सिंघानिया का डैड है, और मैं फौरी। लेकिन ये मन्नू भाई है कौन? वो बड़ा चालाक आदमी है, प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर्स बनाता है, और उसका मानना है 2-3 महीने बाद वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में होगी। अरेस्ट होगी? ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ तो इस ठकराल से मेरी जान को खतरा है और दूसरी तरफ से ये। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं है, तुम इस मन्नू की चिंता छोड़ दो। हमें सबसे पहले ठकराल पर निशाना लगाना होगा, इसी मन्नू के कंधे पर बंदूक रखकर। फिर हम लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया। और मैं आनंद की बीवी बनकर उस घर में इसीलिए गई क्योंकि धनराज अंकल की मौत की खबर सुनकर ये लोग घर छोड़कर भाग जाना चाहते थे। और इस तरह किरण भी पुनर्जन्म का नाटक करके उस घर में आई। अच्छा, अब मेरे को समझ में आया, तुम लोग हमारे को कहीं को रोक रहे थे, कहीं दोबारा ठकराल फिर कब्जा कर लेगा बोल के। हाँ धनराज साहब, मेरे को माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में मेरी नीयत खराब हो गई थी, मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। कोई बात नहीं मन्नू, खुशी की बात तो यह है कि आज तुम्हारे अंदर का इंसान जाग उठा है। मेरे अंदर का भी इंसान जाग गया वकील साहब। वो क्या है बोले तो बोलना रे साहिल। बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी निशा के लिए तुमसे बेहतर पति और कौन होगा। तुम्हें भी कुछ कहना है साहिल? जी सर, वो मैं आप। अरे क्या शर्मा रहा मियां, बोल दे। ऐसा बोलते बोल दूं? बोल दे। धनराज अंकल, मैं आपकी बेटी किरण से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाह रहा हूँ, क्या बोलते? खत्म, मैं भी मेरी वाली को ऐसी बोलता हूँ। किसको? पुतले को? तेरी तो। अब आप कहीं को मारा रे? तू तो कहीं को बोला? अरे पिक्चर खत्म हो गई यारो। में हमारी हस्ती में दिलों की बस्ती।